Hello friends, in the last lecture I started with IBC and I have discussed few very important things of insolvency and bankruptcy code. Friends, what we have discussed that who can file an application. So in this I have discussed three things: that application can be filed by one, financial creditor; two, ऑपरेशनल क्रेडिटर; थ्री, कॉर्पोरेट डेटर। ये तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ क्राइटेरिया और कुछ कंडीशंस भी आपको पढ़ाया था कि इफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन तो उसको क्या करना पड़ेगा, इफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंड इफ कॉर्पोरेट डेटर इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन तो उसको क्या करना पड़ेगा। ऐसी तीन चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और मैंने ये भी बोला था कि एक बार के लिए ये तीनों हो जाएगा, ये एप्लीकेशन का पॉइंट खत्म हो जाएगा तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है बेटा, वो अमेंडमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी दैट इज द टाइम, अब मैं आप लोगों के साथ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूं रिलेटेड टू एप्लीकेशन। सुनो, नंबर वन, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो इन लोगों ने क्या बोला है, कौन फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करता है तो जरूरी नहीं हो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होना चाहिए, इन लोगों ने बोला इट कैन बी इधर फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, इधर फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सीजी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी अरे यार एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई सीजी। तो या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करेगा या तो कोई और भी एप्लीकेशन कर सकता है लेकिन एफसी के बिहाफ में। अब वो कौन हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या कोई और ऐसा कोई हो सकता है। अब ये कौन बताएगा, सीजी बता सकता है कि या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में कोई और फाइल करेगा जिसको किसने अप्रूव किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जिसने किसके मतलब कहने से यहां पर क्या अप्रूव करेगा सीजी, तो कहीं ना कहीं कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अप्रूव कर देगा सीजी और बोलेगा एफसी के बिहाफ में यह एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बेटा ये हो गया आपका पहला अमेंडमेंट। अब दूसरा क्या, कल मैंने एक कॉमन पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एफसी, ओसी एंड सीडी। कल मैंने एक बात बोला था, एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, ये बात मैंने बोला था आप लोगों को। अब बेटा एप्लीकेशन कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकता है, तो मैंने एक पॉइंट तो कल ऑलरेडी बोला था, एप्लीकेशन इनकंप्लीट है तो रिजेक्ट हो सकता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट आईपी। एक कल मैंने एक बात बोला था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम भी देना पड़ेगा बेटा, तो एफसी और सीडी के लिए मैंने बोला था, सॉरी एफसी हां और सीडी के लिए मैंने बोला था कि उनको किसका नाम देना पड़ेगा, उनको आईपी का नाम देना पड़ेगा। उन लोग आईपी का नाम दे रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, लेकिन इसका नाम कहां पे है रजिस्टर्ड, तो आईपीए में रजिस्टर्ड है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इस जगह पर रजिस्टर्ड है। अब बेटा अगर तुम इसका नाम दे रहे हैं तो इन लोग बोलता है चलेगा, इसका नाम तुम दे सकता है बट इसके ऊपर कुछ कंडीशंस डाला है। क्या कंडीशन डाला है सुनिए अच्छे से, इन लोगों ने बोला है कि अगर तुम एफसी ओसी सीडी का नाम एफसी और सीडी अगर आईपी का नाम दे रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, तो उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ए अगर तुमको याद होगा मैंने एक बात बोला था, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होता है, तो देखो जैसे सीए होता है तो सीए के अगेंस्ट एथिकल अगर उसने कुछ गलत किया है तो कोड ऑफ कंडक्ट में उसके उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आईपी के अगेंस्ट भी पॉसिबल है कि कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए।
तो बेटा अगर आईपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आईपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो ऐसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहने से उस ग्राउंड पे भी क्या कर सकता है, एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता है, बोलेगा ये एप्लीकेशन हम तुम्हारा रिजेक्ट करते हैं, तुम वापस से एप्लीकेशन फाइल करो और ऐसे आईपी का नाम दो जिसके अगेंस्ट क्या नहीं चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब तीसरा अगर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो ये थर्ड पॉइंट ये बेटा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें, ये डिले हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा ओसी से रिलेटेड। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने क्या बोला था, ऑपरेशनल क्रिएटर अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसको, उसके लिए मैंने चार चीज बोला था, इनवॉइस फाइल करना पड़ेगा, एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कि डिस्प्यूटेड नहीं है, बैंक का सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा, अदर इंफॉर्मेशन। इसमें अगर याद होगा मैंने नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बोला था, क्योंकि तुमने भी पढ़ा होगा पहले ना, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देना मैंडेटरी नहीं था। मतलब क्या, अगर आप नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं भी देते हैं फिर भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड माना जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर नॉट गिविंग नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल स्टिल योर एप्लीकेशन विल बी वैलिड, तुम्हारा एप्लीकेशन फिर भी क्या रहेगा बेटा, वैलिड रहेगा। लेकिन अब इस पे भी अमेंडमेंट है, इस पे क्या अमेंडमेंट है, अगर ओसी एप्लीकेशन कर रहा है तो अब ओसी को भी क्या देना मैंडेटरी है, सॉरी या ओसी को भी क्या देना मैंडेटरी है बेटा, नेम ऑफ आईपी। समझ रहा है ये, मैं सॉरी 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 नहीं माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ओसी के लिए नहीं है ये अमेंडमेंट, सीडी के लिए है। सीडी तो आज भी ऑब्वियसली नेम ऑफ आईपी दे ही रहा है, बट अमेंडमेंट क्या, मैं बोलता हूं नेम ऑफ आईपी दे रहा है, ए मैं करेक्ट कर रहा हूं, ओसी को नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देना मैंडेटरी नहीं है, आज भी मैंडेटरी नहीं है, मैं सीडी की बात करने जा रहा था। सीडी को नेम ऑफ आईपी देना पड़ेगा, ये पॉइंट बेटा पहले से चलते आ रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट मैंने पॉइंट नंबर टू में डिस्कस कर लिया। लेकिन अब साथ में एसआर ऑफ शेयर होल्डर्स देना पास करना पड़ेगा, पहले इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। लेकिन सीडी मतलब वो खुद ना यार, अगर किंग फिशर खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो बेटा, अगर किंग फिशर खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहा था तुम क्या बोलेगा, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय हुम, कॉर्पोरेट डेटर। तो बेटा अगर एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर फाइल कर रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर फाइल कर रहा है तो उस केस में उस कॉर्पोरेट डेटर को क्या फाइल करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब अगर किंग फिशर खुद से एप्लीकेशन फाइल कर रहा है आईबीसी में तो किंग फिशर के शेयर होल्डर को क्या फाइल करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब तुम बोलेगा सर जरूरी नहीं है कि वो कंपनी हो, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो, ये एलएलपी है तो क्या करोगे, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब एलएलपी की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो एलएलपी है तो क्या करोगे, क्योंकि बेटा एलएलपी भी तो कॉर्पोरेट पर्सन है, उस केस में शेयर होल्डर तो नहीं होते, तो उस केस में 3/4 ऑफ पार्टनर, कितना 3/4 ऑफ पार्टनर, ये तो 3/4 भी तो इन अ वे स्पेशल रिजोल्यूशन जैसा ही हो गया एवरीबॉडी। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज कहने से कॉर्पोरेट डेटर अगर खुद से एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो अगर वो कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा, और अगर वो कॉर्पोरेट डेटर एलएलपी है तो उसे क्या पास करना पड़ेगा, उसे क्या पास करना पड़ेगा, 3/4 ऑफ द पार्टनर का अप्रूवल। तो बेटा ये दो तीन पॉइंट था एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो मैंने तुमको पढ़ाया ये नए मॉड्यूल में, पुराने मॉड्यूल में मतलब जो ओल्ड कोर्स वाले का है उसमें तो ये सब डिटेल में दिया हुआ है, बट नए मॉड्यूल में इतना डिटेल में नहीं दिया, एप्लीकेशन का पॉइंट दो तीन लाइन में खत्म कर दिया है और उसका अमेंडमेंट डाल दिया है। इनफैक्ट तुम देखोगे ना तो इन लोगों ने ऐसा बहुत किया है, मतलब नए मॉड्यूल में अगर तुम लोग देखोगे ना तो इन लोगों ने भर भर के क्या बोलते हैं ये डाल दिया है, भर भर के इन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है, एप्लीकेशन मतलब सॉरी अमेंडमेंट का सारा पॉइंट डाल दिया इन लोग ने, किसमें, रिविजन टेस्ट पेपर में। लेकिन उसमें से आधी चीजें नए मॉड्यूल में है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इन लोग ने सीधा आंख बंद करके चिपका दिया। अब बच्चा लोग सोचता है अमेंडमेंट कौन से पार्ट पे आया है, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोविजन ही नहीं है,
तुम समझ रहा है, ये प्रॉब्लम आता है तो तुम घबरा मत जाना, वो देख के कि आरटीपी में दिया लेकिन नए मॉड्यूल में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, उन लोग सीधा डाल देते हैं सब कुछ। एनीवे बेटा, एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने ये तीनों चीज आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है। आगे जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा चीज डिस्कस कर लिया, अब नया पार्ट बोल रहा हूं। ए कौन कौन एप्लीकेशन नहीं कर सकता, पर्सन नॉट एंटाइटल टू मेक व्हाट, मेक एन एप्लीकेशन। कब कब आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं तो सुनो। नंबर वन, कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं तुम लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, केसेस जब तुम एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो। अब या तुम एफसीए, ओसीए, सीडी है, लेट से किंग फिशर का ऑलरेडी क्या चल रहा है, अपना ये चल रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, और तुमको बहुत मस्ती आ रहा है, तुम बोल रहा है मैं फिर से एप्लीकेशन करूंगा। नाउ कैन आई से, ये तो यूजलेस बात हो गया। क्यों, जिसका ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और क्यों लॉजिक नहीं है बेटा, क्योंकि जिसका ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है ये उसका एप्लीकेशन तो क्यों फाइल करेगा, रिवाइवल के लिए। ये तो कहीं से ऑलरेडी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है बेटा, ऑलरेडी एक्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, और क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है एप्लीकेशन, कैसे अब उस एप्लीकेशन का जो भी होना होगा कैसे स्ट्रेट अवे हो जाएगा, अब उसको अलग से एप्लीकेशन फाइल करने का कोई भी क्या नहीं है बेटा, लॉजिक नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को ए कहना ही से, अगर ऑलरेडी किसी का क्या हो गया है, एप्लीकेशन हो गया है, किंग फिशर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, किंग फिशर का ऑलरेडी एप्लीकेशन हो गया है, अब या तो वो और एंड वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, मतलब कहने से किंग फिशर इज ऑलरेडी अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब किंग फिशर का एक और कोई एफसी आया और बोलता है मेरे को भी एप्लीकेशन फाइल करने का है, तो उसको गवर्नमेंट बोलेगा इधर एप्लीकेशन क्यों फाइल करने का है, तो बोलता है अपना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए, रिवाइवल के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे पता है, कि तू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए, रिवाइवल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब लॉजिक क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन ना यार, एंड इट इज ऑलरेडी अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो अब चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो रिजेक्ट हो, कहने से ये एप्लीकेशन क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो अगेन इफ यू आर ट्राइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन, कहने से इट डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी, लीगल वैलिडिटी। सेकेंड पॉइंट, दे आर सेइंग कॉर्पोरेट डेटर हैज कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस इन लास्ट 12 मंथ्स, व्हाट डज इट मीन, एक कहने से मेरा रिजोल्यूशन प्रोसेस इन लास्ट 12 मंथ्स खत्म हुआ है। नाउ इफ आई वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ इफ आई वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन, नाउ सिंस माय ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन लास्ट 12 मंथ्स, अगर मेरा ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इन लास्ट 12 मंथ्स एंड आई एम अगेन ट्राइंग टू पुट एप्लीकेशन, तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट क्या बोलता है, यार अगर तेरा रिजोल्यूशन प्रोसेस लास्ट के 12 मंथ्स में ही खत्म हुआ है तो डोंट यू थिंक आफ्टर शॉक टाइम जाता है थोड़ा, मतलब जब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट बोलता है तुरंत एप्लीकेशन फाइल मत करो, हो सकता है इसको सेटल होने में टाइम लग रहा है। इन अ सिंपल लैंग्वेज कैन आई यूज द लाइन दैट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कैन नॉट बी फाइल्ड ट्वाइस इन 12 मंथ्स, एक बार रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है देन अगेन इफ यू वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन यू हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। थर्ड, कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इन लास्ट 12 मंथ्स, मतलब क्या, द पर्सन हु इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन, हो सकता है उसने ऑलरेडी पहले के एप्लीकेशन फाइल किया हो, इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी फाइल्ड एप्लीकेशन बिफोर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर एंड अगेन ही इज प्लानिंग टू पुट वॉट, अगेन ही इज प्लानिंग टू पुट एप्लीकेशन। अब गवर्नमेंट बोलता है ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी कभी तो एप्लीकेशन फाइल किया था और उसने गवर्नमेंट ने मतलब एनसीएलटी ने उसका एक्सेप्ट भी किया होगा प्लान, ए बट उसने उसका वायलेशन कर दिया, मतलब उस रिजोल्यूशन प्लान का, मतलब किंग फिशर का नहीं फाइल किया होगा उसने, तुम समझ रहे, मतलब ये जो मैं एफसी और सीडी की बात कर रहा हूं इसने किंग फिशर का नहीं फाइल किया होगा, लेट से किंग फिशर का कोई एफसी सीडी है, इसने और किसी कंपनी का फाइल किया होगा और उसका रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो गया होगा, और उस प्लान का इस बंदे ने, इस भाई ने क्या कर दिया है,
वायलेशन कर दिया है। क्या कर दिया बोलो एक बार, वायलेशन कर दिया है। ये मतलब कहने से ये इंसान ऐसा है जो लॉ को बार बार वायलेट करता है। गवर्नमेंट बोलता है तेरे को ऑलरेडी किसी और कंपनी का तूने एप्लीकेशन फाइल किया था और तूने उस एप्लीकेशन का क्या कर दिया, टर्म्स को वायलेट कर दिया। मतलब इट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, देयर इज ऑल प्रोबेबिलिटी कि तू वापस से प्लान का क्या कर दे, वायलेशन। तेरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता है और इसीलिए वो वापस एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता है। अब तुम बोलेगा सर लेकिन लास्ट 12 मंथ्स बोला है। ये तो लास्ट 12 मंथ्स इसलिए बोला है क्योंकि 12 महीने के बाद तो इंसान चेंज हो गया होगा। गवर्नमेंट को लगता है 12 महीने के आफ्टर 12 मंथ्स द पर्सन मस्ट हैव चेंज्ड, और इसके लिए उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ये देन इट इज प्रॉपर एप्लीकेशन, इसमें कुछ गलत नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट दे आर सेइंग ये अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर लिक्विडेशन में चला गया तो बेटा उसका राम नाम सत्य हो चुका है। तो अगर कोई ऑलरेडी लिक्विडेशन में है तो उसका वापस से एप्लीकेशन फाइल अब क्या, ये हम लोग रिजोल्यूशन प्लान के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। हम लोग क्यों फाइल कर रहे हैं रिजोल्यूशन प्लान के लिए एप्लीकेशन, रिवाइव करने के लिए। रिवाइव उसको कर सकते हो जो जिंदा है, लिक्विडेशन में मतलब मर चुका है वो, अब उसको कहने से अंतिम संस्कार करो उसका, उसका रिवाइवल मत करो। तो इफ द कंपनी इज ऑलरेडी अंडर लिक्विडेशन देन उसके लिए भी वी कैनॉट फाइल वॉट, उसके लिए भी वी कैनॉट फाइल रिजोल्यूशन प्लान। तो अब जरा देखो ना, इन विच ऑल केसेस यू कैनॉट फाइल रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान नहीं मतलब रिजोल्यूशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विच ऑल केस, सिंपल है। नंबर वन कैनॉट फाइल एप्लीकेशन, नंबर वन ऑलरेडी अंडर लिक्विडेशन, सॉरी ऑलरेडी अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब किसी और ने एप्लीकेशन फाइल किया होगा और गवर्नमेंट क्या बोलता है उसका ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। तो बेटा कहने से रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है तो तेरे को तो पैसे से मतलब है, तू भी लाइन में लग जा, सबको पैसा मिल रहा है तेरे को भी मिल जाएगा। सेकेंड, रिजोल्यूशन प्रोसेस हो चुका है एक बार, उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन लास्ट, कंप्लीटेड इन लास्ट 12 मंथ्स, ताजा ताजा कहने से रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हुआ है बेटा। थर्ड, वायलेटेड टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान इन लास्ट 12 मंथ, उसी बंदे ने किसी और का रिजोल्यूशन प्लान का एप्लीकेशन फाइल किया होगा और उस इंसान ने उस टर्म्स का क्या कर दिया होगा, वायलेशन। एंड इट इज इन लिक्विडेशन, इन दिस 4 केसेस यू कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूं, इसको एक बार आप लोग लिख लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस में कर दिया है तुम लोग के साथ, एक्सेप्ट कैसे करेगा एप्लीकेशन, रिजेक्ट कैसे करेगा, वो सारी बातें। वो एप्लीकेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया 3 अलग अलग चार्ट देके। मॉरेटोरियम, ए व्हाट इज मॉरेटोरियम, इट्स अ काम पीरियड, मॉरेटोरियम का बेसिक क्या है, एक बार बेसिक समझाऊंगा ना तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा मॉरेटोरियम को। मुझे देखो ना, मेरी आंखों में देखो सब लोग, बेटा मॉरेटोरियम का बेसिक क्या है थोड़ा समझते हैं, मजा आएगा। इधर देखिए, हम लोग क्यों फाइल करते हैं मॉरेटोरियम, मोरेटोरियम होता क्या है। ए, तुमने एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी को, एनसीएलटी ने तुम्हारा एप्लीकेशन क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब जब एनसीएलटी ने तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया तो बेटा उसके बाद क्या नहीं से हम लोग रिवाइवल प्लान बनाएंगे, वी विल मेक रिजोल्यूशन प्लान एंड वी विल मेक श्योर दैट हाउ द कंपनी विल बी रिवाइव्ड, हाउ द कंपनी विल बी रिजॉल्व्ड। तो क्या नहीं से ये जो रिवाइवल प्लान तुम लोग बनाएगा, ये जो रिजोल्यूशन प्लान तुम बनाएगा बेटा, ये कैसे चलेगा इसको समझो। अब ये रिवाइवल प्लान के टाइम पे
अगर तुम अलग अलग तकलीफ देगा कंपनी को, तो कैसे कंपनी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ना, ए रिवाइवल कैसा है, एक इंसान है ना डिप्रेशन में, क्यों? क्योंकि बेटा उसने बहुत सारा लोन ले लिया था, तो उसने डिप्रेशन में सुसाइड कमिट किया, लेकिन मरा नहीं, जहर खाया बच गया, डॉक्टर के पास उसको ले गए। अब बेटा बिल बहुत आ गया, 4-5 लाख का बिल आ गया, ये तुम उसको तुरंत जाके बताएगा ना कि देखो 4 लाख का बिल आ गया है, कैसे वो फिर से सुसाइड कमिट करेगा। ये कुछ मोरेटोरियम भी वैसा होता है, कह रही से कंपनी ने कुछ गलतियां की होती है, बट कह रही से कंपनी को हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर तुम कंपनी को अलग 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 प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो कहीं से कंपनी रिवाइव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ड्यूरिंग रिवाइवल प्रोसेस, रिजोल्यूशन प्रोसेस, कहने से कंपनी का क्या बोलते हैं, कंपनी का ये रोका जाता है, क्या रोका जाता है, बहुत सारा एक्ट्स को रोक दिया जाता है, कंपनी को थोड़ा सा खुद को क्या बोलते हैं रिवाइव करने का मौका दिया जाता है। मतलब कहने से ऐसी चीज है जिससे कंपनी डिस्टर्ब हो सकता है, उसको एबियंस पे डाला जाता है। ए आई एम यूजिंग अ वर्ड एबियंस, एबियंस मीन्स व्हाट, ऑन होल्ड। आई एम यूजिंग द वर्ड एबियंस, एबियंस मीन्स व्हाट, ऑन होल्ड। अब बेटा कौन सी चीजें एबियंस पे डाला जाता है थोड़ा समझिए, और वो कितने दिन के लिए होगा? ऑब्वियसली वो इतने दिन के लिए होगा, ऑब्वियसली वो इतने दिन के लिए होगा, एक कहने से जितना दिन क्या चलता है, जितना दिन क्या चलता है रिजोल्यूशन प्लान। और इसीलिए मैंने कितना डेज बोला बेटा, 180 डेज। कितना डेज बोला है बेटा, 180 डेज। कहने से 180 डेज एबियंस पे चलता है। थैंक यू। नाउ तो 180 डेज के लिए होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम पीरियड बोलते हैं। अब बेटा कौन से एक्ट्स प्रोहिबिटेड है, एक्ट्स मतलब लॉ की बात नहीं कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस। एबियंस पे रहेगा, ट्रांजैक्शंस ऑन होल्ड एबियंस पे रहेगा। चार है टोटल, चारों याद रखो, एग्जाम में पूछेंगे, शायद एमसीक्यू में भी आ सकता है ये। मॉरेटोरियम मतलब काम पीरियड, कौन से एक्ट्स नहीं होंगे उस टाइम पे, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट। बेटा सूट मतलब केस होता है, जजमेंट मतलब केस का जजमेंट होता है, डिक्री मतलब क्या होता है बेटी, डिक्री मीन्स कोर्ट का ऑर्डर जो आता है उसको डिक्री बोलते हैं, और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। ये मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मॉरेटोरियम में मैंने क्या बोला तुमको, चार एक्ट्स प्रोहिबिटेड है। मॉरेटोरियम कितने दिन के लिए होता है, 180 डेज के लिए होता है। अब बेटा कौन से चीजें होल्ड पे रहेगा, एबियंस पे रहेगा। नंबर वन, केसेस अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, केसेस अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा। अगर किंग फिशर के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो कहीं से वो किस पे चला जाएगा, होल्ड पे चला जाएगा। देखो ऐसे लिखोगे ना तो तुमको अपनापन आएगा प्रोविजन के साथ, नहीं तो ये आई फाई लैंग्वेज के चक्कर में तुम याद ही नहीं रख पाएगा कुछ। फिर दूसरा ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग मतलब होता है बेचना। एनकम्बरिंग, एनकम्बरिंग मतलब होता है चार्ज क्रिएट करना। एलिनिएटिंग, एलिनिएटिंग का मतलब होता है डिसोन कर देना। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक कोई ऐसा असेट है जिसके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मार्शी लैंड होता है ना, मार्शी लैंड वो तुम्हारा ऑनरस असेट होता है। मतलब क्या, अगर वो लैंड तुम देखने जाएगा ना तो उस लैंड पे का जो वैल्यू होता है उससे ज्यादा उस लैंड को ठीक करने में खर्चा हो जाता है। इट्स बेटर टू डिसोन इट। तो ऐसे असेट्स को तुम डिसोन कर सकता है, उसको बोलते हैं एलिनिएटिंग। और डिस्पोजिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, कहने से डीलिंग इन असेट्स, ये चारों अलग अलग फॉर्म है डीलिंग इन असेट्स का, बाय द कॉर्पोरेट डेटर। तो कहने से वो अपने असेट्स के साथ डील नहीं कर सकता है ड्यूरिंग मॉरेटोरियम, क्यों? उसको ये टाइम हम लोग ने असेट बेचने के लिए नहीं दिया है, ये टाइम उसको हम लोग ने किस लिए दिया है, तो ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके। तो कैसे उस पीरियड में वो असेट्स के साथ क्या नहीं कर सकता है, डील नहीं कर सकता है। डीलिंग इन एसेट्स, नंबर थ्री। तो कहने से बेटा अपने असेट्स के साथ क्या नहीं कर सकता है, डील नहीं कर सकता है। देन एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाई द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर सराफेसी। ये मतलब क्या हुआ, शायद तुमको सराफेसी का ज्ञान होगा,
सार्फेसी एक्ट पता है ना, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। ये समझो मिस्टर एक्स ने लोन लिया है बैंक से, एचएसबीसी बैंक से। बेटा एचएसबीसी बैंक को उसने लोन लिया है और मॉर्गेज पे उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी दिया। अब एचएसबीसी को ये पे नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, तो एचएसबीसी हो सकता है उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दे ये लोन का वैल्यू। और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, मिस्टर एक्स से रिकवर करेगा। क्या रिकवर करेगा, मनी। और अगर वो नहीं देगा ना पैसा, तो वो उसका जो मॉर्गेज असेट है ना हाउस प्रॉपर्टी, वो सेल कर देगा। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, अगर मिस्टर एक्स, मैं मिस्टर एक्स नहीं बोलता हूं, एक्स लिमिटेड, बेटा अगर एक्स लिमिटेड किसमें है, मॉरेटोरियम में है, तो इन लोगों ने बोला है कि एआरसी रिकवर करने के लिए ये असेट को सेल नहीं कर सकता है, रिकवर नहीं कर सकता है। अब तुम बोलेगा सर ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, बेटा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एआरसी पैसा नहीं ले सकता है, ले सकता है, लेकिन मॉरेटोरियम में हम लोग जब रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी अगर रिवाइव हो जाता तो डोंट यू थिंक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एनीवे पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो आज ऐसे करेगा तो रिवाइव नहीं हो पाएगा एक्स लिमिटेड, और बंद हो जाएगा, तो कहने से एआरसी का तो लॉस होगा ही, बाकियों का भी लॉस हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ 180 डेज के लिए असेट रिकवर नहीं कर सकता है एआरसी। तो क्या नहीं से इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, रिकवरी ऑफ असेट बाय एआरसी, रिकवरी ऑफ असेट बाय एआरसी, जो कॉर्पोरेट डेटर का असेट है वो रिकवर नहीं कर सकता है एआरसी कॉर्पोरेट डेटर से। नंबर फोर, द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय और इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इसका मतलब क्या हुआ समझो, चेन्नई से जो कॉर्पोरेट डेटर है तुम्हारा, जो तुम्हारा ओनर है, यहां पे कॉर्पोरेट डेटर इज लेसी, मतलब उसने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिया है। अब समझ रहा है मेरा बात, उसने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिया है, किसने, कॉर्पोरेट डेटर ने। और वो कंपनी क्या कर रहा है, रेंट पे जो प्रॉपर्टी लिया है कॉर्पोरेट डेटर से, उसका रेंट कॉर्पोरेट डेटर को पे नहीं हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेंट पे जो प्रॉपर्टी लिया है कॉर्पोरेट डेटर ने, उसका रेंट पे नहीं हुआ है, फिर भी कॉर्पोरेट डेटर से वो असेट रिकवर नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग मॉरेटोरियम। सर ये गलत है ना, गलत नहीं है बेटा। सुनो, आज जिसने, जिसको रेंट नहीं मिला वो कंपनी में ऑपरेशनल क्रिएटर होगा। आज हम लोग किसकी कोशिश कर रहे हैं, रिवाइव की। ये रिवाइव हो गया तो डोंट यू थिंक रेंट मिल जाएगा ना उसको, अगर आज उसने ले लिया तो क्या नहीं से उसको रेंट कैसे मिलेगा, रिवाइव ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी जाने के बाद। तो गवर्नमेंट बोलता है थोड़ी देर वेट कर ले, तेरे को क्या पता 180 डेज के बाद कंपनी रिवाइव हो जाएगा तो तेरे को पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आज तूने छीन झपट लिया तो कभी कंपनी रिवाइव हो ही नहीं पाएगा, और अगर कंपनी रिवाइव नहीं होगा तो कहने से तेरे को पैसा कैसे मिलेगा। अच्छा वो बोलता है सर लेकिन अगर 180 डेज में रिवाइव नहीं हुआ तो गवर्नमेंट बोलता है जो तू आज करने वाला वो आफ्टर 180 डेज कर ले, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में। तुम समझ रहे हैं, इन अ सिंपल लैंग्वेज कहने से रिकवरी ऑफ असेट, रिकवरी ऑफ एसेट विच इज इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, विच इज इन पोजेशन ऑफ किसके, कॉर्पोरेट डेटर। रिकवरी ऑफ असेट विच इज इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाई ए आर सी, सॉरी बाई ओनर। ऐसा बेटा ये चार लाइन आप लिख के छोड़ दो, क्योंकि इट विल गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू विल बी लर्निंग मॉरेटोरियम। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। आगे बढ़ू मैं, अपॉइंटमेंट टर्म एंड पावर ऑफ आईआरपी, पावर ऑफ क्या बेटा, आईआरपी। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, सुनो। नो क्या लिखा है देखो इधर,
इसको थोड़ा घुमा फिरा के दिया इन लोगों ने लॉ में, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। तुमने एप्लीकेशन किया, किसको एप्लीकेशन किया? एनसीएलटी को, समझ रहे तुम लोग? अब बेटा एप्लीकेशन किया एनसीएलटी को, समझ रहे तुम लोग? एप्लीकेशन किया एनसीएलटी को, एनसीएलटी को तुम एप्लीकेशन करते टाइम क्या दिया है? नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्या दिया तुमने? नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब बेटा अगर तुम उसको नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या करेगा? सुनो, अगर नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देता है तो वो क्या करेगा? एनसीएलटी उसको आईआरपी अपॉइंट करेगा बेटा, उसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा, जिसके बारे में कहने से मैंने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। अब सुनो, यही बात यहां पे दिया है, यही बात यहां पे दिया है। अब क्या दिया है थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। देर आर टू पॉसिबिलिटी, एप्लीकेशन कौन कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर कर रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर टू, कॉर्पोरेट डेटर कर रहा है। बेटा अगर एप्लीकेशन एफसी या सीडी में से कोई कर रहा है, और किसको कर रहा है एप्लीकेशन? एनसीएलटी को, कहने से वो नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा। अब क्या करेगा एनसीएलटी? ए, हो सकता है जिसके लिए एप्लीकेशन किया है उस इंसान के अगेंस्ट नो डिसिप्लिनरी एक्शन है। मतलब किसकी बात कर रहे हो? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट, पेंडिंग अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। उस केस में उसको तुम अपॉइंट करो, अपॉइंट आईपी एस आईआरपी विद इन कितने डेज? विद इन 14 डेज। कितने डेज में अपॉइंट कर लेगा? कौन अपॉइंट कर रहा है ये? एनसीएलटी। अब हो सकता है जिसका नाम तुमने दिया है उस इंसान के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है? पेंडिंग है अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर से बोल रहा हूं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है? पेंडिंग अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये मैटर रिफर करेगा, कौन रिफर करेगा? एनसीएलटी। किसको रिफर करेगा? आईबीबीआई को। आईबीबीआई उसको देगा नेम ऑफ आईपी, क्या देगा? नेम ऑफ आईपी। और कितने दिन में देगा? मेरे हिसाब से इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, इधर बहुत ज्यादा मैस हो रहा है। तुम जगह पे ही लिखो, मेरे पास जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट आईपी, अगर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो क्या करेगा? एनसीएलटी ये मैटर रिफर करेगा। किसके पास रिफर करेगा? आईबीबीआई के पास। दिस विल बी योर नंबर वन।
आईबीबीआई एनसीएलटी को देगा नेम, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये हो गया नंबर टू। और ये कितने दिन में देगा, विद इन 10 डेज, विद इन कितना डेज, 10 डेज। और एनसीएलटी उस बंदे को अपॉइंट करेगा, आईपी को क्या अपॉइंट करेगा, एस आईआरपी, विद इन 14 डेज, विद इन कितना डेज, 14 डेज। और ये हो गया मेरा स्टेप नंबर थ्री। तो क्या नहीं से अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो क्या होगा, तो पहले तो नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा एफसीसीडी अलोंग विथ एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद या तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, नहीं है पेंडिंग, तो उस केस में उसको आईआरपी को एनसीएलटी कितने दिन में अपॉइंट कर लेगा, विद इन 14 डेज। और अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसके अगेंस्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट, तो बेटा उस केस में एनसीएलटी किसको करेगा रेफर मैटर, आईबीबीआई को। और आईबीबीआई नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा कितने डेज में, 10 डेज में। और उसी बंदे को एनसीएलटी अपॉइंट करेगा एज वॉट, एज आईआरपी, कितने डेज में, विद इन 14 डेज। समझाइए सबको, फिर से एक बार समझाऊं, ये पक्का ठीक है, इसका वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने, तुमने नोटिस किया, यहां पे एक चीज नहीं लिखा था, पर्पसली नहीं लिखा, वो है ऑपरेशनल क्रेडिटर। बेटा ऑपरेशनल क्रेडिटर जरूरी नहीं ना नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा, तो बेटा अगर उसने नो नेम दिया है, कोई नाम दिया ही नहीं है, नो नेम ऑफ आईपी, एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, एनसीएलटी को, और उसने नो नेम ऑफ आईपी दिया है, आईपी का कोई नाम दिया ही नहीं है, और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है पेंडिंग, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है। बेटा ये दोनों केस में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये दोनों केस में ये जो दिख रहा है ना तुमको, इसी प्रोसेस से अपॉइंट होगा। दूसरा, अगर नेम दिया है, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दिया है आईपी, एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है बेटा, पेंडिंग, तो इस केस में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बोलता है ये दिख रहा है तुमको पहला वाला, एक कहने से इस हिसाब से अपॉइंटमेंट होगा, तुम समझ रहा है। तो बेटा इसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा डिफरेंस था तो इसका ये बना दिया। अब देखो ये पढ़ने के बाद जब तुम अंदर का पूरा कंटेंट पढ़ेगा ना डिटेल में, तो तुम लोग यही ऑब्जर्व करेगा कि एक एक चीज मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब बेटा सिर्फ एक अमेंडमेंट है, पहले जो टर्म ऑफ आईआरपी था वो 30 डेज था, अब वो डिलीट हो गया है, अब वो 30 डेज नहीं है। आईआरपी को पहले 30 डेज का टाइम दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि 30 डेज में ना सीओसी का मीटिंग कभी कभी सब कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो उसके बाद है ना लटक जाता था आईआरपी। तो इन लोग बोल रहा आईआरपी शाल कंटिन्यू, चेंज कर दो उधर, शाल कंटिन्यू टिल अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक कौन कंटिन्यू करेगा, आईआरपी। अब 30 डेज के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है, इफ 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 क्या बेटा, इफ आईआरपी डज नॉट गेट अपॉइंटेड, इफ आईआरपी डज नॉट गेट अपॉइंटेड, आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स ऑफ आईआरपी, आईआरपी के पावर्स क्या क्या है, देखो ना मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा हुआ है, दूसरा दिया है एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ बीओडी पार्टनर, तीसरा दिया है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर मैनेजर, चौथा दिया इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मैं इसके बारे में समझाऊंगा रे, बट एक बात बोलना है मुझे, थोड़ा सा समझो आप लोग, ध्यान देना सब लोग,
एक बात बोलना है मेरे को, ये सब पावर्स ऑफ आईआरपी दिया हुआ है, बट आई हैव समथिंग टू से। क्या सर? ए आगे देखो ना, बहुत आगे एक पब्लिक अनाउंसमेंट की बात बोली गई है। ये देखो, ये पॉइंट नंबर 7, ये तुम्हारा नोट्स में ना पेज नंबर 34 पे, पब्लिक अनाउंसमेंट। ए मुझे एक बात बताओ, पब्लिक अनाउंसमेंट कब होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट कब होगा बेटा? पब्लिक अनाउंसमेंट तब होगा जब आईआरपी अपॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि क्रेडिटर्स आके अपना क्लेम दे दें और उस क्लेम को कंसोलिडेट करके सीओसी का मीटिंग हो, और बाद में वही अप्रूव करेगा किसको? आईआरपी को। सो दैट आईआरपी बिकम्स व्हाट? आरपी। अब यार ये सब राम कहानी में क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को? उसका रीजन बोलता हूं। इधर तुम पावर्स ऑफ आईआरपी पढ़ रहे हैं बेटा, जब तुम पावर्स ऑफ आईआरपी पढ़ रहे हैं तो डोंट यू थिंक ये भी तो आईआरपी का ही पावर है क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट, इसको अलग से लिखना सही है क्या? नहीं। तो कहना इसे मैं ये ई पब्लिक अनाउंसमेंट इधर ही लिख के छोड़ दूंगा, ये भी आईआरपी का पावर है। और बेटा अब कोड बना रहा हूं मैं इसका, ध्यान दो। मैनेजमेंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? पहला एम, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ बीओडी पार्टनर, दैट इज ई। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर मैनेजर आर। इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आई। पब्लिक अनाउंसमेंट पी। याद रखो मी रेस्ट इन पीस। देखो आईआरपी अपॉइंट होता तो बीओडी पार्टनर के, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के पावर्स किसके पास चले जाते हैं? आईआरपी के पास। तो डोंट यू थिंक डायरेक्टर क्या बोलेंगे? मी रेस्ट इन पीस, मैं खत्म हो चुका हूं अब, क्योंकि मेरा सारा पावर किसके पास चला गया? आईआरपी के पास। एम से क्या होता है? थोड़ा एसी का वो ऊपर कर दो, थोड़ा कूलिंग ज्यादा हो गया लग रहा है। ठीक है, मी रेस्ट इन पीस। जो लोग वीडियो देख रहे हो बोलते होंगे, नॉर्मली हम लोग सर को वीडियो में एक ही चीज बोलते देखते, कूलिंग बढ़ा तो बहुत गर्म हो रहा है, आज सर की हालत खराब हो गई। ठीक है, तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, बेटा व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स? एक बार आईआरपी अपॉइंट हो गया तो कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने का, एवरीडे के ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने का पावर किसके पास चला जाता है? आईआरपी के पास। दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ बीओडी पार्टनर। बेटा बीओडी पार्टनर क्यों लिखा? अगर तुम्हारा कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर किसके पास चला जाएगा? आईआरपी के पास। और अगर वो एलएलपी है तो पार्टनर्स का पावर किसके पास चला जाएगा? आईआरपी के पास। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर मैनेजर, बेटा रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर मैनेजर क्या हुआ? ए अब मेरे को बताओ, पहले कंपनी के सारे ऑफिसर, सारे मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करते रहेंगे तुम्हारे हिसाब से? आईआरपी को रिपोर्ट करते रहेंगे, सॉरी बीओडी को, पार्टनर्स को रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जब आईआरपी अपॉइंट हो जाता है तो ऑब्वियसली ऑफिसर और मैनेजर को अब किसको रिपोर्ट करना है? बीओडी को करना है, पार्टनर को करना है, कि आईआरपी को करना है? आईआरपी को करना है। कहने से यही बात बोला इन्होंने, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर और मैनेजर। एंड लास्ट में बोला इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। किंग फिशर के लिए, किंग फिशर का लेट से कोई अकाउंट है, कोई बैंक में अकाउंट है, तो बेटा अगर किंग फिशर का किसी बैंक में अकाउंट है, आप लोग को समझना पड़ेगा ये बात, किंग फिशर का अगर किसी बैंक में अकाउंट है, तो किंग फिशर का अगर किसी बैंक में अकाउंट है, डोंट यू थिंक किंग फिशर उस पैसे को निकाल सकता है क्या? सेविंग अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है, ए उस पैसे को क्या करना है, कैसे डील करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? अब आईआरपी। तो यही इन लोग ने बोला, इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ये भी अब कौन देखेगा बच्चा लोग? आईआरपी देखेगा। मतलब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैंक किसके? जहां पे कॉर्पोरेट डेटर का करंट अकाउंट होगा, मतलब समझ रहे हो, कॉर्पोरेट डेटर के लिए लाइबिलिटी नहीं है, असेट है। लेकिन कॉर्पोरेट डेटर हो सकता है पैसा लेके भाग जाए, इसीलिए बोले अब उस पैसे को क्या करना है, उस बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, वो भी आईआरपी देखेगा। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट, क्या नहीं, ये भी पावर किसका है? पब्लिक पब्लिक अनाउंसमेंट करने का पावर किसका है बेटा? आईआरपी का ही है। तो अब मेरे को बताओ ना कौन से पावर, एक बार बोलो बोलो सारा। मी रेस्ट इन पीस क्या है? मैनेजमेंट अफेयर्स। दूसरा क्या है? एक्सरसाइजिंग क्या? पावर ऑफ बीओडी पार्टनर। नेक्स्ट क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर और मैनेजर। नेक्स्ट क्या दिया है? इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और नेक्स्ट क्या दिया है? पब्लिक अनाउंसमेंट। बात आई समझ में सबके? समझा क्या? अरे समझा क्या? नो। ए आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा तो उसके की रोल्स क्या क्या है?
की रोल्स मतलब उसको क्या क्या काम करना है, ये सबसे पहले तो वो क्या देगा, पब्लिक अनाउंसमेंट, इसको बोलते हैं इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस। क्या बोलते हैं इसको, इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। क्यों पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, आज उसको कहने से क्रेडिटर्स को बोलना है कि आओ आओ अपना क्लेम देके जाओ, तो पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा ना। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या, चिल्लाएगा क्या हर जगह पे जाके, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये चिल्लाएगा क्या, नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड करवाएगा। किधर ऐड करवाएगा, न्यूज़पेपर में, जा रहा है बुद्धि में। नेक्स्ट, कोलेशन ऑफ क्लेम। बेटा व्हाट इज कोलेशन ऑफ क्लेम, अब यार उसने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया तो क्रेडिटर लोग आके अपना क्लेम देगा, तो वो उसको कलेक्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद वो कहने से कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, इसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। कैसे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। और उसके बाद कहने से सीओसी का फर्स्ट मीटिंग करवाएगा, क्या करवाएगा, फर्स्ट मीटिंग करवाएगा। आईसी थ्री याद रखो ना, आईसी थ्री, तो आई से क्या है इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस, सी वन से क्या है कोलेशन ऑफ क्लेम, फिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, फिर कंडक्टिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। समझिए, ए अब ना बेटा तुमने नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया, क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स का फर्स्ट मीटिंग होगा। अब कैसे, वही क्रेडिटर्स आईआरपी को क्या बनाएंगे, आरपी, उसके लिए कितने परसेंट सीओसी का अप्रूवल चाहिए, 60, एक कहीं कुछ और दिखता था ना रे, पहले पहले 75% था, याद है ना, कुछ लोग भूल गए, उनके लिए अमेंडमेंट बहुत इजी हो जाता है समझना, क्योंकि कुछ याद ही नहीं है ना। अब वो पहले 75% था, भगवान के लिए मत लिखो, क्यों, वो हिस्ट्री का पेपर नहीं है, तुमको नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो अब वो कितना परसेंट हो गया, 66%, जा रहा है बुद्धि में। Now, तो बेटा उतने परसेंट ऑफ सीओसी कहने से क्या करेगा बेटा, अप्रूवल करेगा, क्या करेगा, अप्रूवल। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, वो बोलेगा आईआरपी को क्या बना दो, आरपी। ए लेकिन अगर उनको नहीं पसंद है वो आईआरपी, बोलते मुझे इस आईआरपी का शक्ल पसंद नहीं आया, तो उन लोग उसको हटा सकते हैं क्या, Yes. उसकी जगह पे कोई और आरपी अपॉइंट कर सकते हैं क्या, Yes. इसके लिए भी कितना परसेंट शेयर्स है वोटिंग का, 66%, कितना परसेंट शेयर्स है बेटा, 66%। ए लेकिन अगर तुम अलग नाम दे रहे हो तो डोंट यू थिंक वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मतलब तुम दूसरे का नाम दे रहे हो ना यार, अरे समझ रहा है, तुम दूसरे का नाम दे रहे हो ना, तो दूसरे का नाम दे रहे हो तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर मतलब क्या, एनसीएलटी को तुम रेफर करेगा, एनसीएलटी ये मैटर किसको रेफर करेगा बेटा, आईबीबीआई को, क्यों, क्योंकि तुम दूसरे आईपी का नाम दे रहे हो ना यार, आईपी कहने से क्या देगा, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कितने दिन में देगा, विद इन 10 डेज, और बाद में एनसीएलटी उसको क्या कर देगा, अपॉइंट, कितने दिन में अपॉइंट कर देगा, विद इन 14 डेज, समझ रहे हो, यही प्रोसीजर फॉलो होगा ना यार। तो इधर लिख दो ना, इफ आर आईआरपी हैज टू बी रिप्लेस्ड, और इफ आरपी इज नॉट आईआरपी, इज नॉट आईआरपी, इन दैट केस, in that situation or in that circumstance follow same procedure, मतलब वो procedure क्या है तुमको already पता है, मैं बता चुका हूं बहुत बार, ये सब क्यों लिख रहा हूं बेटा, जब read करने जाओगे ना तो कुछ समझेगा ही नहीं, इतना ज्यादा tricky language में डाल दिया इन लोगों ने, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। आगे बढ़ू मैं, रोल ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का क्या रोल है, ये सुनो, अभी तक तुमने किसका रोल पढ़ा था, आईआरपी का, आईआरपी का रोल, और आईसी थ्री बताया था, पावर्स मी रेस्ट इन पीस बताया था, और अब मैं किसका रोल बता रहा हूं बेटा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि आईआरपी हैज बिकम वॉट आरपी। तो अगर तुम्हारा आईआरपी बेटा क्या बन गया है, आईआरपी क्या बन गया है, आरपी, तो क्या करना पड़ेगा, सुनो, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स
प्राइमरी फंक्शन इज वॉट, इज टू टेक ओवर द मैनेजमेंट. मतलब कहने से जो काम पहले कौन कर रहा था, बीओडी, अब वो कौन करेगा? अब आईआरपी है कि आरपी है? क्यों आरपी है? क्योंकि कितना परसेंट अप्रूवल दे दिया है सीओसी ने, 66%. ये तो करेगा ही एज अ गोइंग कंसर्न. क्यों? ये अभी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रहा है. अभी क्या हो रहा है? कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रहा है. अभी क्या हो रहा है? रिवाइव की बात चल रही है. तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ. ऐसा नहीं है कि इट इज, आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग एनी मोर. नहीं, ट्राई टू वर्क इट एनी मोर. फिर भी नहीं चले तो फिर डिवोर्स का रास्ता तो हमेशा रहता ही है. द थ्रस्ट ऑफ कोड इज अलाउड टू शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डिफॉल्टिंग डेटर्स मैनेजमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वाइंडिंग अप में क्या होता है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कंट्रोल भी शेयर होल्डर के हाथ में रहता है. ये बट ये गलत है यार. जिंदगी में जिसने गलती की है तुमने उसको ही कंट्रोल दे दिया है. तुम समझ रहे हो? मतलब यार जिस लड़की से मैं डिवोर्स ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शादी के लिए नई लड़की भी तू ही ढूंढ के दे यार, तो वो खुश तो नहीं होगी मेरे से. तो किसी भी राखी सावंत टाइप, आई मीन किसी को भी उठा के लेके आ जाए. ये तो बेटा इसीलिए क्या बोला है, जिसने गलती की अब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है. अब डेटास मैनेजमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं है, किसके हाथ में कंट्रोल है? क्रेडिटर्स के. मतलब तुमने अब क्या बनाया बेटा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर. तो सारा काम कौन करता है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर. अब तुम बोलेगा लेकिन सर अभी तो आप बोल रहे थे आरपी करता है. आरपी करता है लेकिन आरपी को कंट्रोल कौन करता है? सीओसी. तुम समझ रहे हो बच्चा लोग? तो ये बात है. अब क्या क्या फंक्शंस बोला है आरपी का? पहला बोला ऑब्टेनिंग वैल्यूएशन ऑफ एंटिटी. एक क्यों रे वैल्यूएशन? सर बेच तो नहीं रहे. ये बेच तो नहीं रहे लेकिन बेचने की नौबत भी तो आ सकती है. कभी कभी क्या होता है बेटा, कंपनी का वैल्यूएशन इतना गिर गया रहता है कि रिवाइवल लॉजिकल लगता नहीं है. ऐसा लगता बंद कर दो, रिवाइव का कोई चांस नहीं लग रहा है. इसके लिए एक बार ऑब्टेनिंग वैल्यूएशन ऑफ एंटिटी. दूसरा प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. ये क्या होता है बेटा? दिस इज एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन required, required for preparation of what? Resolution plan. उसके बाद बोला प्रिपरेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. एक्चुअली एक बात बताऊं, रिजोल्यूशन प्लान बनाने का रोल आरपी का नहीं है, वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का है. जो एप्लीकेंट होता है ना, एफ सी ओ सी सी डी, उसका है. लेकिन इन लोगों ने लिख के रख दिया है प्रिपरेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. इनफैक्ट आगे जाके मैं एक लाइन तुमको रीड करवाऊंगा जिसको देख के तुमको पूरी फीलिंग आ जाएगी कि रिजोल्यूशन प्लान बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्चुअली नॉट विथ आरपी, इट इज विथ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट. बट बेटा एग्जाम में तुम ये लिख के आओ, मॉड्यूल में दिया है लिख के आओ. मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इसके ऊपर. फिर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द सीओसी. ये तुमने रिजोल्यूशन प्लान बना तो लिया, अप्रूवल कौन देगा उसका? सीओसी. इसको याद रखना तो सबसे इजी काम है जिंदगी में. ये पहले तुम वैल्यूएशन निकालोगे एंटिटी का, उसके बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओगे, उसी के बेसिस पे क्या बनेगा? रिजोल्यूशन प्लान. और उसका बाद में क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट. किससे? सीओसी से. तो ये चार याद रखना तो सीरीज ऑफ इवेंट है. इसको याद रखने के लिए दिमाग नहीं चाहिए. समझ रहे हो? नो. ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बन सकता है? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जो क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इनफैक्ट आईआरपी और आरपी बनने के लिए आईपी होना मैंडेटरी है. अब मेरी बात सुनो, ये पहले है ना, इन लोगों ने क्या बोला था, आईपी आरपी बन सकता है लेकिन नॉट ऑल आईपी कैन बिकम आरपी. पहले सीधा क्या बोल दिया था, एनी आईपी कैन बिकम आरपी. बट अब इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंडीशन डाल दिया है. नाउ नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम आरपी. मतलब कोई भी एरा गहरा आईपी बेटा आरपी नहीं बन सकता है. अब मैं इसी के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं आपसे. अब आईपी होना तो मैंडेटरी है लेकिन आईपी आरपी कब बनेगा? तो इन लोगों ने क्या बोला है, सुनो, इन लोग ने क्या बोला है, इफ ही एंड ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. मतलब क्या, ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है कौन? लेट से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है मोहिनी. अब बेटा मोहिनी एक कंपनी है, टाइम पास लिमिटेड. बेटा उसमें ना ये लड़की डायरेक्टर है.
लेकिन टाइम पास लिमिटेड में और भी कुछ लोग डायरेक्टर है, जैसे अमित, चुमित, सुचित, गुरजीत, अभिजीत। अब तुम आईपी बनाना चाहता है विजय मेलिया की कंपनी किंग फिशर में, किसको? मोहिनी को। तो इन लोग क्या बोलता है, मोहिनी तो इससे इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, लेकिन मोहिनी जिस कंपनी में डायरेक्टर है, उस कंपनी के जितने और डायरेक्टर्स हैं, अमित, जुमित, सुमित, चुदित, सॉरी सुचित एंड गुरजीत, ये सारे लोग कहने से किंग फिशर से क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। बेटा इतना ही नहीं, इसमें कुछ और भी बातें की हुई है। ए जिसको तुम आईपी बनाना चाहते हो, उसने ए बी सी डी ये चार कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए। तो बोला ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद है इसके ऊपर मैंने धुआंधार कवरेज दिया था, जिन लोगों ने रीड नहीं किया है प्लीज गो एंड वॉच टॉपिक डायरेक्टर्स विच आई हैव टेकन, ठीक है? डायरेक्टर्स का जो मैंने टॉपिक लिया है वो जाके देखो, उसमें 49 का मैंने धुआंधार एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा। तो वो कंडीशंस इसने फुलफिल करना चाहिए। कौन सा कंडीशन? 149(6) में दिया हुआ है। अब बेटा इसमें इतने सारे कंडीशंस थे, वो सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। एग्जाम में तुम लोग क्या लिख के आएगा पता है? आईपी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा ये लिख के आएगा ना, तो तुमको ये चेंज करने के लिए वापस लिखने का मौका मिलेगा, हाँ, आफ्टर अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। ये गलती नहीं करना, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग से? ये गलती मत करना। ये इन लोग क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। मतलब ये 149(6) के कंडीशंस उसने क्या करने चाहिए, फुलफिल करने चाहिए। जो आईपी क्या बनना चाहता है, जो आईपी क्या बनना चाहता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ही इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब कहने से बेटा कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी कहने से, वो भी लिस्ट मैंने लाइन से बोल दिया है। बट एक बात बताऊं, पगला है इन लोग, पूछो क्यों? ये सारे कंडीशंस तो ऑलरेडी 149(6) में दिया हुआ ही है ना, कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए वो कंडीशन एनी वे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब फर्स्ट लाइन में इन लोग ने बोल दिया ही शैल बी एलिजिबल टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब व्हाट दे आर सेइंग दैट ही शैल सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑब्वियसली ही मे नॉट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसमें ये कंडीशन तो डाला ही है ना 149(6) में। इनफैक्ट बी वाला भी, सी वाला भी कंडीशन डाला है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसका? जो ऑडिटर सीएसी इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर है लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का। बेटा ये भी कंडीशन डाला है ना, तुम समझ रहे है? 149(6) में ये भी कंडीशन डाला है। इनफैक्ट ये भी कंडीशन डाला है कि वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी लीगल कंसल्टिंग फर्म का जिसका 10% या उससे ज्यादा टर्नओवर है। मतलब डोंट यू थिंक बीसीडी इज एक्चुअली डाला हुआ है 149(6) में? बट एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है ये लॉ ड्राफ्ट करते टाइम इन लोगों ने 149(6) को ठीक से देखा ही नहीं। हर जगह एक्ट में तो यही लिखा है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लोगों ने ये डाल दिया ऐसे ही आंख बंद करके, उसके बाद इनको लगा ये सब रीजनेबल ग्राउंड है तो बीसीडी अलग से डाल दिया विदाउट नोइंग That it is already covered in 149(6). तो सर हम क्या करें एग्जाम में? सर हम सिर्फ ए लिख के आ जाए ना? बेटा बीसीडी लिखो, नहीं तो मैंने बोला ना वो बीसीडी लिखने का वापस मौका मिलेगा आफ्टर अ पीरियोडिकल इंटरवल। लेकिन वो लिखो तुम लोग, समझ रहा है मेरा बात? लेकिन मैंने क्यों बताया पता है? मैं बीसीडी अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं सर, उड़ा नहीं रहा हूं बेटा। अगर ये तुमको जानने का मन होगा, अगर रीड करके तुमको नहीं समझ रहा है, तो तुम मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जाके रीड कर लेना, तुमको समझ जाएगा ये सब। अब याद करते हैं इसको, सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, कहने से एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी फर्म का, जो ऑडिटर है सीएस इन प्रैक्टिस है कॉस्ट ऑडिटर है उस कंपनी का या एलएलपी का, एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी कंसल्टिंग फर्म का जिसको 10% ऑफ रिसिप्ट मिल रहा है उस कंपनी से, समझ रहे तो मेरी बात? तो ऐसे लोग ही क्या बन सकते हैं, ऐसा आईपी ही क्या बन सकता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये तुमको पता है फीस ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये सबसे टॉप प्रायोरिटी में दिया जाता है, क्यों? इट इज इन ऑर्डर टू मेक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? देखो बेटा समझो, आज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर रहा है, रिवाइवल की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या पता रिवाइवल ना हो, कंपनी लिक्विडेशन में चला जाए और लिक्विडेशन में कंपनी बंद हो जाए, तो डोंट यू थिंक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपना पैसा तो मिलना चाहिए, जो खर्चा वो कर रहा है, जो काम वो कर रहा है। अगर उसको इस बात की सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसका रिवाइवल में मन भी नहीं लगेगा। तुम डॉक्टर को एक मरीज लेके गया जो मरने की हालत में, डॉक्टर बोल रहा है इतना इतना खर्चा आएगा, डॉक्टर बोलेंगे बिंदास कर, देखो पैसा यही देने वाला है,
जिंदा बच गया तो मिलेगा, मर गया तो यही देने वाला है, ये कहां से देगा? अब कैसे, तो डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाएगा उस बेचारे को, इतना मेहनत करके क्या पता पैसा मिलेगा भी कि नहीं। और इसीलिए इन लोग ने क्या बोला है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सॉरी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो भी खर्चा हुआ है ये जब वो प्रायोरिटी लिस्ट है ना उसमें सबसे टॉप पे उसको ही रखा है, मतलब कहीं से सबसे पहले उसको ही पैसा मिलेगा, तो काम करते टाइम उसको टेंशन नहीं रहेगा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तुम सीए क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए ना यार, इंपॉर्टेंट ही है लाइफ। रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, बेटा क्या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को तुम रिप्लेस कर सकता है? यस, मतलब एक आरपी की जगह पे तुम किसको अपॉइंट कर रहे, दूसरे आरपी को। तो सुनो कैसे अपॉइंट करेगा, आरपी को रिप्लेस करना है तो कौन ये मैटर रिफर करेगा, पहले तो सीओसी, कितना परसेंट वोट डाल के, एटलीस्ट 66% इन वैल्यू, और किसको देगा ये, एनसीएलटी को। उसके बाद सब कुछ सेम प्रोसीजर होगा विद छोटा सा डिफरेंस, एनसीएलटी किसको रिफर करेगा, आईबीबीआई को। नॉर्मली रिफर करने के लिए हम लोग टाइम लिमिट नहीं बोलते, बट यहां पे कितना बोल दिया, विद इन 7 डेज, कितना डेज, विद इन 7 डेज, ये नंबर वन आ गया। आईबीबी इसको नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा, विद इन 10 डेज, और उसके बाद एनसीएलटी अपॉइंट करेगा किसको, आरपी को, विद इन कितना डेज, 14 डेज। मतलब कि कहने से नॉर्मली तो सब कुछ सेम है, सिर्फ ऊपर 7 डेज डाल दिया मैंने, नहीं तो यही प्रोसीजर हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे थे ना यार। तो अगर एग्जिस्टिंग आरपी को तुमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग रिप्लेस बाय न्यू आरपी, तो कहने से इस बात को कौन रेफर करेगा, सीओसी, किसको देगा ये 66% वैल्यू करके, एनसीएलटी को। एनसीएलटी किसको रेफर करेगा, आईबीबीआई को, विद इन 7 डेज, और उसके बाद आईबीबीआई 10 डेज में नाम देगा, और उसको अपॉइंट कितने डेज में करेगा, 14 डेज में। इसको तो नंबरिंग देना चाहते तो दे सकते, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये रीड आप लोग कर लेना, मैं रीड क्यों करूं, मैंने पूरा समझा दिया है, और रीड किया होगा तो तुमको ये समझ गया होगा कि रीड करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब देखो पब्लिक अनाउंसमेंट, ये कौन करता है पब्लिक अनाउंसमेंट, आईआरपी अपॉइंट होगा ना उसके विद इन 3 डेज करेगा। ए, इस बात को सीधा लिख सकता था मॉड्यूल में, लेकिन नहीं, हमें तो एक लाइन को 4 लाइन में लिखना है। देखो आईआरपी शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, इमीडिएटली हियर मींस नॉट मोर देन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, मतलब कितने दिन में अपॉइंट करेगा, 3 दिन में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, भगवान तुमको लंबी आयु दे, लंबी आयु मींस एटलीस्ट, नहीं लंबी आयु मींस 1 ईयर, ये क्या है, सीधा बोल दो भगवान तुमको 1 साल की जिंदगी दे, सॉरी 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 100 साल की जिंदगी, मैं तो भूल ही जाता हूँ। चलो बेटा समझ गया ये। अब पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब न्यूज़पेपर में ऐड करेगा ना रे, न्यूज़पेपर में ऐड करेगा, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नैकुलर। अब सुनो क्या क्या बताएगा पब्लिक अनाउंसमेंट में, ए नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्या मेरे बच्चों, कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर का नेम एंड एड्रेस बताएगा। बेटा कॉर्पोरेट डेटर का नेम एंड एड्रेस बताएगा क्यों, तुम न्यूज़पेपर में ऐड किस बात का कर रहे हो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी चल रहा है या चलने वाला है, ये तो तुम नाम तो बताएगा ना कि किसका चलने वाला है। ए इंडिया में लाखों कंपनी है, हम क्या हर कंपनी में जाके पूछते रहेंगे आपका इंसॉल्वेंसी चलने वाला है, क्या ऐड आया था एक, ये तो तुझे जोक हो जाएगा ना रे लाइफ में, जिंदगी में, तुम समझ रहे। तो तुम ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा बेटा, कि किसका किसका इंसॉल्वेंसी चलने वाला है। फिर इसके बाद दूसरा क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दूसरा बोला है नेम एंड अथॉरिटी विथ विच कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड, मतलब क्या, एक कहने से अगर कोई ट्रस्ट है तो कहने से वो रजिस्टर्ड होगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास,
LIC किसी और अथॉरिटी के पास, तो किस अथॉरिटी के पास रजिस्टर है उसका नाम भी देने का न्यूज़पेपर में। डिटेल्स ऑफ IRP, क्यों बेटा? अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस में कोई कंपनी है तो कंपनी में तो हजारों लोग रहते हैं, अब क्या किसी से भी जाके पूछेगा क्या? नहीं ना यार, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको। बच्चे लोग जो वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं वो मेनी ए टाइम कमेंट सेक्शन में नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी पूछ लेंगे, सर फीस क्या है नॉर्मल कोर्स का। अब यार मेरे को बताओ, जो बेचारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है उसको कहाँ पता रहेगा नॉर्मल लेक्चर्स का फीस क्या है, या कोई और सब्जेक्ट का कुछ स्टार्ट होने वाला होगा तो वो इंक्वायरी भी लोग इंक्वायरी काउंटर उधर ही पूछ लेंगे। दे अज्यूम कि जो बंदा है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है। नहीं, इट्स इट लुक्स सो इनोसेंट टू बी ऑनेस्ट ना। आई एक्चुअली लव द स्टूडेंट्स हु व्यू वीडियो लेक्चर। तुम देखने का उनका इनोसेंस दिखता है ना, विच इज वेरी रेयर क्वालिटी इन टूडेज वर्ल्ड। बट वो इनोसेंस इतना रहता है ना कि वहीं पे पूछ लेते हैं कि सर वो कहाँ पे मिलेगा सर। एंड ऑब्वियसली दैट शोज दैट कि उसको टीचर में इतना फेथ है। एंड ऑब्वियसली जब हमको अगर मतलब मेरे नॉलेज में कभी ऐसा आता है तो मैं तो बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नॉर्मली वी आर सो पैक्ड के कितनी बार मुझे तो खुद का ही कुछ व्यू करने का टाइम नहीं रहता। नॉर्मली क्या, कभी नहीं रहता है तो बेटा, लेकिन मेरे नॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक साल पहले की बात है, एक खादा ऐसे ही मेरे सामने आया तो मैंने आंसर दे दिया उधर, तो बच्चे ने और चार चीज पूछा, मैंने वापस तो देखा ही नहीं कभी, एक साल पहले की बात है, मैंने वापस देखा ही नहीं तो ऑब्वियसली उसका आंसर नहीं करूंगा। तो बेटा वैसा मैं क्यों बोल रहा हूं यार, अगर तुमने नाम बता दिया न्यूज़पेपर में कि कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, लेकिन तुमने ये नहीं बताया किससे क्या मिलना है, ये तो कंपनी में किसी डायरेक्टर से, किसी सीईओ से या किसी प्यून से भी आके कोई आके बोल दे कंपनी का तो रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, जाना कहाँ पे, तो उसको तो शायद पता भी नहीं होगा बेटा। इसीलिए बोला डिटेल्स ऑफ IRP डालना जरूरी है, ठीक है? डिटेल्स ऑफ IRP मतलब वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का डिटेल। ए अपना पैसे बट रहे तो लोग सोचेंगे, चांस लेके देखते, फेक क्लेम्स भी दे सकते हैं ना यार, मिल गया तो सच्ची, नहीं तो अजीरुद्दीन। तो बोलता है नहीं, पेनल्टी लगेगा। क्या पेनल्टी लगेगा फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम? बट आपको ये भी डालना पड़ेगा उसमें, पेनल्टी फॉर क्या मेरे बच्चों? फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम प्लस लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। मतलब तुम भेलपुरी खा रहा, न्यूज़पेपर तुमको दिखा 4 साल पुराना है, उसमें दिख गया कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, तुम 4 साल के बाद पहुंच गया। ये हर चीज का एक टाइम लिमिट होता है, समझ रहे हो? तो क्या टाइम लिमिट तक तुम क्लेम सबमिट कर सकते हो वो, एंड कभी तुम्हारा रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड होगा ये भी बता दो। तो बेटा ये सारी चीज है। टोटल हाउ मेनी डिटेल्स आर देयर? 6 डिटेल्स। बताओ, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अथॉरिटी अंडर विच इट इज रजिस्टर्ड, डिटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग क्लेम, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द क्लेम एंड डेट ऑन विच कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड। ये इनिशियली जो एक्सपेंस होता है कौन बेयर करता है? एप्लीकेंट, मतलब फाइनेंशियल केटर, ऑपरेशनल केटर एंड ऑपरेशनल केटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, जिसने भी एप्लीकेशन किया है। लेकिन टेंशन मत लो, बाद में इसको रिमबर्स कर देगा COC टू द एक्सटेंड इट रेटिफाइज। रेटिफाइज मतलब होता है अप्रूव करना। तो रेटिफाई क्यों लिखा है बेटा? अगर कुछ ऑलरेडी हो चुका है मैं उसको अप्रूव कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना, रेगुलराइज करना। पहले अप्रूव करता तो उसको बोलते हैं अप्रूव करना, बाद में करता तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। तो अप्रूव कर सकता है, क्या करेगा? COC अप्रूव करेगा उसको बाद में, लेकिन इनिशियली तो एप्लीकेंट ही बेयर करेगा, क्योंकि इनिशियली तो पता ही नहीं है खर्चा करेगा कौन, तो एप्लीकेंट बेयर कर लेगा। बेटा ये था पब्लिक अनाउंसमेंट से रिलेटेड बात। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन रहेगा? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेगा COC में, समझ रहे हो? COC में फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेगा। लेकिन अगर कंपनी में एक भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं, विच इज वेरी रेयर, लेकिन लॉ में हर चीज का प्रोविजन बना के रखते हैं, तो बोलते हैं 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़े बड़े ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो। अगर तुम एम्प्लॉयज या रेंट वाले की बात करो तो वैल्यू देखो, छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? बड़े से छोटा। एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड मेंबर बाय वर्कमैन, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, वर्कमैन का एक, मतलब होता है ना मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का, एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय का, तो कितने हो गए रे टोटल? 20 हो गए। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है कंपनी में तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रहेंगे। अगर कंपनी में नो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। ये अगर 18 से कम है, 10 है, तो ऑब्वियसली वो 10 के 10 ऑपरेशनल क्रेडिटर विल बी द मेंबर ऑफ
सीओसी, ये तो आइडियली कौन रहेगा रे बेटा सीओसी में, आइडियली कौन रहेगा सीओसी में बताना पड़ेगा आप लोग को। आइडियली सीओसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा नसीब खराब है एक भी सीओसी में नहीं है तो बेटा कौन बन जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर, कौन बन जाएगा बोलो एक बार जोर से, 18 लार्जेस्ट क्रेडिटर, समझ रहा है। अब वोटिंग एंड मीटिंग इधर 75% लिखा है लेकिन 66% हो गया ना बेटा। अब देखो जो भी सीओसी का डिसीजन है वो कितने परसेंट वोटिंग से लेके आएगा तुम, 66% वोटिंग से। अच्छा वोटिंग कैसे होगा, उनका प्रोपोर्शन ऑफ नंबर की वैल्यू, वैल्यू एक क्रेडिटर के पास 1 लाख है और एक क्रेडिटर के पास 10,000 का वैल्यू है, तो जो भी 10,000 वाला है उसको कम मिलेगा, 1 लाख वाले को 1 लाख जितना वैल्यू मिलेगा वैसे। अब सुनो फर्स्ट मीटिंग कितने दिन में होना चाहिए बेटा सीओसी का, 7 डेज में। और अगर उनको आरपी को अपॉइंट करना है तो कितना परसेंट वोट फाइल करेगा, 66%। नोटिस ऑफ मीटिंग, बेटा मीटिंग कंडक्ट होगा तो उसका नोटिस भी तो देना पड़ेगा, तो किसको दोगे, मेंबर्स ऑफ सीओसी। ए नॉर्मली मेंबर्स ऑफ सीओसी कौन रहेगा बेटा, एफसी, लेकिन अगर कंपनी में नो एफसी है तो कौन रहेगा, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर प्लस एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय वर्कमैन, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय प्लस मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बीओडी और पार्टनर। बेटा सस्पेंडेड वर्ड क्यों लिख दिया है, सस्पेंडेड वर्ड क्यों लिख दिया है बेटा, सस्पेंडेड इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इसके पावर्स किसके पास जा चुके हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास या आईआरपी भी बोल सकता है, उसके पास जा चुके हैं ना यार, लेकिन यहां पे ऊपर आरपी लिखा है तो आरपी लिखो, तो कहने से उसके पावर्स आरपी के पास चले गए, इसके लिए सस्पेंडेड लिखा है, उसको भी नोटिस दिया जाएगा। बीओडी, बीओडी कब, जब तुम्हारा कॉर्पोरेट डेटर कौन है, कंपनी है, और पार्टनर कब, जब तुम्हारा कॉर्पोरेट डेटर क्या है, एलएलपी है। ये तो जब, इसको क्यों देगा नोटिस, जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस, नॉलेज के लिए, बाकी ये वोट डाल नहीं सकता है, उनके पास वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी दिया जाएगा, लेकिन सब ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं, ऐसा जिसका कितना परसेंट ऑफ वैल्यू है, 10%, मतलब बड़ा ऑपरेशनल क्रेडिटर ना। तुम बोलेगा सर लेकिन वो तो ऑलरेडी सीओसी में कवर्ड होगा ना बेटा, जरूरी थोड़ी है, अगर कंपनी में एफसी है तब तो कहने से सिर्फ एफसी रहेगा तो उसको भी दिया जाएगा, लेकिन बेटा ये जो बी और सी वाले पॉइंट है, ए वाले को तो वोटिंग मिलेगा लेकिन बी सी वाले को वोटिंग नहीं मिलेगा, बी और सी वाले को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रहे ना कि मीटिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब उनका भी कंपनी में वो है, कनेक्शन है, इसके लिए उनको नोटिस दिया जाता है, बाकी क्या नहीं से उनके उनके पास वोटिंग पावर आएगा कि उनके पास वोटिंग पावर नहीं आएगा, उनके पास वोटिंग पावर बेटा बोलो एक बार क्या, नहीं आएगा, उनके पास वोटिंग पावर क्या बोला मैं, नहीं आएगा। अगला पॉइंट, ऑपरेशनल क्रेडिटर Do not have right to vote, मैं बता चुका हूं आपको। ए लेकिन कोई एफसी अगर रिलेटेड पार्टी है तो उसके पास भी वोटिंग पावर नहीं होगा, कोई एफसी अगर रिलेटेड पार्टी है तो उसके पास वोटिंग पावर नहीं होगा। सर क्यों, ए सोचो यार, वो सॉरी पानी देना ओके हेलो ओके नाउ लिसन, अगर कोई ओसी रिलेटेड पार्टी है, सॉरी कोई एफसी रिलेटेड पार्टी है तो उसको वोटिंग पावर नहीं होगा, क्यों बेटा, ऑब्वियस रीजन है, ए वो किसके फेवर में वोट डालेगा, तुम्हें क्या लगता है कंपनी के फेवर में वोट डालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो कहने से अपने रिलेटेड पार्टी, सॉरी वो अनबायस वोट नहीं डालेगा, उसका वोट बायस्ड होगा, इसलिए रिलेटेड पार्टी अगर कोई एफसी है उसको वोटिंग पावर नहीं है। फिर आता है कोरम ऑफ मीटिंग, मीटिंग में कितना परसेंट कोरम होना चाहिए, 33%, याद रख लो कितना परसेंट, 33%, लेकिन 33% किसका,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो 33% ऑफ वोटिंग राइट, 33% ऑफ वोटिंग राइट नॉर्मली मेंबर्स होता है ना यार, यहाँ पे 33% वोटिंग राइट वाले लोग कोरम रहेंगे. और वो कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑडियो विजुअल दोनों हो सकता है. तो बेटा सिर्फ इतना ही याद रखना, 30% वोटिंग राइट, ऑडियो वीडियो विजुअल दोनों चलेगा. ये अगर वो प्रेजेंट नहीं है कोरम, अगर वो कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो एडजॉर्न हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉर्न हो जाएगा. नो कोरम तो एडजॉर्न हो जाएगा. नॉर्मली क्या होता है, नेक्स्ट वीक होता है ना, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस. यहाँ पे नेक्स्ट वीक का कॉन्सेप्ट डालेगा तो बैंड बच जाएगा तुम लोग का. क्यों बेटा? कहने से 180 डेज में पूरी कहानी खत्म करनी है. तो यहाँ पे नेक्स्ट डे है. क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट डे, सेम टाइम नेक्स्ट डे, सेम टाइम सेम प्लेस. मतलब अगर मंडे को था तो ट्यूसडे को चला जाएगा. ये एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है ना वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा? कोरम. जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वही क्या हो जाएंगे तुम्हारे? कोरम. देखो ना, ओरिजिनल मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग में 33% वोटिंग वाले क्या बनेंगे आपके? कोरम. नॉट प्रेजेंट, तो एडजॉर्न हो जाएंगे. नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस. बेटा एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है. नो कोरम तो क्या होगा? ये जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे मीटिंग में, एग्जिस्टिंग मेंबर विल बिकम व्हाट? कोरम. तो जितने भी आए रहेंगे उसको कोरम मान के आगे करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना यार इसके लिए. यस, अब ध्यान दो, अब ध्यान देना सब लोग. कोरम पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन प्लान. बेटा अब ये ना रिजोल्यूशन प्लान, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं. तो अगर मैं ये डायरेक्टली तुमको रीड करवाऊंगा तो तुमको एक वर्ड नहीं समझेगा. मैं इसका एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट बनाता हूँ. एक बार ये पूरा चार्ट बना दिया ना, उसके बाद अगर तुम लोग के सामने रखूंगा तो तुम लोग को बढ़िया समझ में आएगा. रेडी हो तुम लोग? चलो ध्यान दो. सबसे पहले क्या होगा, कैसे रिजोल्यूशन प्लान का पूरा प्रोसेस होगा? देखो सबसे पहले बेटा, जो कंपनी में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो बनाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एवरीबॉडी? सो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज डिटेल्स, डिटेल्स कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या? कंसिस्ट ऑफ नंबर वन, देखो इधर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. नंबर टू, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर रिजोल्यूशन प्लान. मैंने क्या बोला था, रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बोला था ना. कैसे ये आ गया ना इस लाइन में, तुम देख रहे हो. तीसरा, अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू द कॉर्पोरेट डेटा. तो याद क्या रखना है, पहला फाइनेंशियल पोजिशन रहेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, दूसरा
डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। बेटा ये सारी चीजें आप किसके पास फाइल कर रहे हो, ये नंबर वन हो गया ना, ये सारी चीजें आप किसके पास फाइल कर रहे हो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास। और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या कर रहा है, इसको फॉरवर्ड कर रहा है नंबर टू, सॉरी इसके बेसिस पे क्या प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर रिजोल्यूशन प्लान। और ये रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया है ना बेटा, ये रिजोल्यूशन प्लान ये डायरेक्टली सीओसी को नहीं जाएगा, इसको तुम किसको दोगे, अब वापस से दोगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। क्यों बेटा वापस से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दोगे, ये पहली बार तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया था, समझ रहे तुम लोग, पहली बार क्या बनाया था, रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें ये तीन डिटेल्स था बेटा, ये तीन डिटेल्स बना के आपने किसको दे दिया, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। और उसके बाद आप उसके बेसिस पे क्या प्रिपेयर कर रहे हो, रिजोल्यूशन प्लान। और एक बार वो रिजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर हो जाता है, कौन बनाता है रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। और वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जब रिजोल्यूशन प्लान बना लेगा तो वो किसको दे देगा, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। अब बेटा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कुछ चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी, इधर देखो ये पांच चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी किसको, रिजोल्यूशन प्लान को, कि कोई इधर चला गया, हाँ ये पांच चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी, कोई लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हुआ है, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट नॉट बीन प्रोवाइडेड, फिर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट नॉट बीन प्रोवाइडेड और नॉट कंप्लाई विद आईबीबीआई रेगुलेशंस। मतलब क्या, देखो इधर टोटल पांच चीज है, अब मैं लॉजिक के साथ बताता हूं, एक क्या क्या चेक करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, शैल वेरीफाई, क्या 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 वेरीफाई करेगा, पहला नंबर वन नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। बेटा अगर तुम रिजोल्यूशन प्लान बनाया है और उसका एक्ट का कॉन्ट्रावेंट हुआ है तो डोंट यू थिंक आगे जाके तो एनसीएलटी रिजेक्ट ही कर देगा, इसीलिए वो चेक करने का। दूसरा नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आईबीबीआई गाइडलाइन, आईबीबीआई के गाइडलाइंस या रेगुलेशंस बोल दो, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ आईबीबीआई के गाइडलाइंस, ए तो भी आईबीबीआई तो भी एनसीएलटी रिजेक्ट ही कर देगा, तो ये दो चीज कौन चेक करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि लीगल नॉलेज हो सकता है एप्लीकेंट के पास ना हो। तीसरा डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर का जो बेटा क्या है डेट है ये वो इंक्लूड होना चाहिए। सर तो आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर का बोला तो फिर आपने इसका क्यों नहीं बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर का, जब ऑपरेशनल क्रेडिटर का प्रोवाइड होना चाहिए तो सर फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी प्रोवाइड होना चाहिए। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर का तो जख मार के उसने प्रोवाइड किया होगा, क्यों, क्योंकि कहने से फाइनेंशियल क्रेडिटर का नहीं प्रोवाइड करेगा तो सीओसी में तो सारे एफसी है, उसका प्रोवाइड नहीं किया रहेगा तो डोंट यू थिंक वो तो कल को रिजेक्ट ही कर देंगे, प्लान को आगे नहीं जाने देंगे। ए बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट को प्रोवाइड ना किया हो, और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट को प्रोवाइड नहीं किया है तो डोंट यू थिंक उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, इसलिए वो चेक करने का। चौथा रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, देखो ये लैंग्वेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड और नॉट, एक मिनट मुझे लगता है अपने को थर्ड नंबर चेंज करता हूं मैं, थर्ड पॉइंट पे क्या डाल दूं पता है, नो मटेरियल इरेगुलरिटी, एक कहने से गाइडलाइन जैसा ही हो गया ना ये, तो कोई मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, नो मटेरियल इरेगुलरिटी,
पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव क्या, रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट प्रोवाइडेड, क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में कहने से सबसे ज्यादा किसका पैसा रहने वाला है, सबसे ज्यादा किसका रहने वाला है, आरपी का रहने वाला है, क्योंकि उसके ही खर्चे ना मेन, तो ये तो वो तो चेक करेगा ही कि उसका पैसा डाला है कि नहीं। ये पांच चीज कौन वेरीफाई करेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कौन सी चीज, नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आईबीबीआई रेगुलेशंस, नो मटेरियल इरेगुलरिटी, देन दो कॉस्ट से रिलेटेड, डेट ऑफ ऑपरेशनल ऑपरेशनल क्रेडिटर शुड बी प्रोवाइडेड एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। ये पांच चीज है, कौन वेरीफाई करेगा बेटा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और ये वेरीफाई करने के बाद, ये वेरीफाई करने के बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको ये फॉरवर्ड कर देगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनली किसको फॉरवर्ड कर देगा, सीओसी को। क्या फॉरवर्ड कर देगा, रिजोल्यूशन प्लान। ये आई थिंक स्टेप नंबर थ्री है क्या, ये ऊपर कितना था, वन टू ना, हाँ ये थ्री हो गया, और उसके बाद सीओसी अप्रूव करेगा इसको, कितना परसेंट वोट, 66% वोट। फिर ये किसके पास जाएगा, एनसीएलटी। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर फोर हो गया ना यार, और बेटा अगर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया तो तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट। बेटा रिजेक्ट कर दिया तो, रिजेक्ट कर दिया प्लान, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विडेशन। ये तुम्हारा नंबर क्या हो गया, फाइव। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ये लिख लो, वीडियो पॉज करके सब लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीबॉडी, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दो, सुनो बेटा, ये जो पूरा डिस्कशन है ना, मैंने ये पूरा डिस्कशन कर लिया अंदर का, तुम रीड करेगा तो तुमको यही ऑब्जर्व करेगा कि सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट तुमको ये वाला पॉइंट नया दिखेगा। मैं बता देता हूं क्या लिखा है, ये प्रोवाइडेड दैट सीओसी शैल नॉट अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान वेयर द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इज इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A एंड मे रिक्वायर अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट द फ्रेश रिजोल्यूशन प्लान वेयर नो रिजोल्यूशन प्लान इज अवेलेबल विद इट प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रेफर्ड टू इन फर्स्ट प्रोवाइजो इज इन एलिजिबल अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 29A द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल बी अलाउड बाई द सीओसी सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days ब्ला 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 ब्ला। अब सुनो इसका मतलब क्या है, ये सुनो, मैं एक बच्चा कंप्लेन फाइल कर रहा है मेरे लिए कि राकेश सर पढ़ाते हैं हम लोग को, लेकिन मुझे लग रहा है सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब वो बच्चा कैसा, मैं बोलता हूं सुनो, वो बच्चा क्लास, ये एग्जाम्पल है, ये सब है नहीं, एग्जाम्पल है। वो बच्चा क्लास में शराब पीता है, नशेड़ी गंजेड़ी धुत रहता है, अब वो जाके ये चीज बोल रहा है, डोंट यू थिंक ही इज एन इनएलिजिबल पर्सन, वाई ही इज एन इन एलिजिबल पर्सन, नशे में उसको क्या पता चलने वाला है क्या फास्ट जा रहा है क्या स्लो जा रहा है, एक ऐसा ही इज इन हिज ओन ट्रॉपिकल जोन एवरीबडी, समझ रहे तुम। ए बेटा मैं ये बात क्यों किया उसका रीजन बोलता हूं, पहले कौन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकता है इसके बारे में एक्ट साइलेंट था, एफ सी ओ सी सी डी हो सकता है ना सर, हाँ वो ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन एप्लीकेशन करने के लिए उस एफ सी ओ सी सी डी ने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, इसके बारे में एक्ट ने कुछ नहीं बोला था, बट अमेंडमेंट लाके इन्होंने सेक्शन 29A में ये बात डाल दिया। देखो इधर एकदम एंड में डाला है 29A,
ये पॉइंट। और इन लोगों ने क्या बोला बेटा कि कौन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकता है। अब इसमें इन लोगों ने बोला शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, मतलब इन लोगों ने बोला कौन नहीं हो सकता है। बेसिकली इन लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन बताया है कि अगर ये सारी चीजें रहेगी तो तुम रिजोल्यूशन एप्लीकेशन का नहीं कर सकता है। अब बेटा इसमें कुछ पॉइंट दिया, जैसे तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, विलफुल डिफॉल्टर है, जैसे विजय माल्या है ना विलफुल डिफॉल्टर में आ गया। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है बेटा, विलफुल डिफॉल्टर उस इंसान को बोलते हैं जिसके पास पैसा तो है लेकिन फिर भी उसने कैसे पैसा दिया नहीं कंपनी को, उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। फिर इसके बाद इन लोग ने क्या बोला है, फिर ऐसे ही कुछ पॉइंट बोला है कि क्या नहीं से वो डिबार्ड है टू फॉर्म अ कंपनी, फिर उसको जेल हुआ है बेटा 2 ईयर्स के लिए, ही इज अ डिस्क्वालिफाइड एज डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164, उसको प्रोहिबिट करके रखा है सेबी ने टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, जैसे केतन पारे को करके रखा था 2017 तक। फिर बोला है ही इज एज बीन अ प्रमोटर और कंट्रोल ऑफ इन विच अ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसी कंपनी का वो प्रमोटर है जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हुआ, वाइंडिंग अप से रिलेटेड पॉइंट है बेटा। ऐसे करके ना पूरा पॉइंट दिया इन्होंने। अब मैं फिलहाल इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं, अमेंडमेंट लेक्चर में एनीवे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट बेटा ऐसा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन देके रखा है। ये पॉइंट सिर्फ मैंने सिर्फ कभी क्यों डिस्कस किया उसका रीजन बोलता हूं बेटा। अगर हो सकता है ये लॉ जिस दिन आया इंपोज हुआ, ये पहले तो कोई पॉइंट दिला ही नहीं था। अब बेटा तुम कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेशन किया है, और बेटा जब तुम रिजोल्यूशन एप्लीकेशन किया था ये लॉ को नोटिफाई होने के पहले तुमने किया था, 29A को सेक्शन को नोटिफाई होने के पहले तुमने एप्लीकेशन किया था, सेक्शन 29A नोटिफाई हो गया बेटा। सेक्शन 29A नोटिफाई होने के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 29A नोटिफाई होने के बाद क्या होगा, सॉरी सेक्शन 29A नोटिफाई होने के बाद क्या होगा, बोलते अगर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, पहले तो कोई कंडीशन था ही नहीं ना यार, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो वो एप्लीकेशन कहीं से लैप्स हो जाएगा बेटा और फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। मतलब समझो कोई एक इंसान है जिसने एप्लीकेशन किया, समझ रहा मेरा बात, अगर कोई क्या है बेटा इंसान है जिसने एप्लीकेशन किया है और वो जो ये रूल नोटिफाई हुआ 29A उसके पहले एप्लीकेशन किया, हो सकता है वो कुछ तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता हो, पहले तो देखना ही नहीं था कुछ भी, तो जब ये नोटिफाई हो गया तब तक तो एप्लीकेशन उसका पेंडिंग है ना यार, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या वो इंसान सेटिस्फाई करता है 29A, करता है तो कंटिन्यू होता जाएगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन लैप्स हो जाएगा। और अगर वापस से एप्लीकेशन डालना है तो फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो, और अब जो फाइल करेगा कैसे वो कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए प्रोविजन, समझ रहा है तू मेरा बात, मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज कैसे इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इफ एनी पर्सन हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन आफ्टर दैट सेक्शन 29A इज नोटिफाइड एंड इफ दैट पर्सन इज अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन देन कैसे फ्रेश एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ध्यान दो। ए अपील कर सकते हो रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट, बोलते यस कर सकते, कौन से ग्राउंड पे बेटा, मैंने तुमको क्या बोला रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये सारी 5 चीजें वेरीफाई नहीं किया तो उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन किया जा सकता है और तुम्हारा प्लान क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए तो मैंने बोला था रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है, क्योंकि बेटा अगर उसने ये वेरीफाई नहीं किया और फ्यूचर में जाके अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो वो एप्लीकेशन करके क्या नहीं इसे बोल सकता है अपील करके कि इस प्लान को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ये सारी चीजें अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो क्या नहीं इसे एप्लीकेशन करके हम लोग रिजोल्यूशन प्लान को बेटा क्या करवा सकते हैं, हम लोग कैंसिल करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं बोलिए एक बार, कैंसिल करवा सकते। अगर तुमने टाइम लिमिट में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुमने टाइम लिमिट में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया, क्या टाइम लिमिट है 180 डेज, या तो एक्सटेंडेड टाइम, कितना दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है 90 डेज, तो बेटा उस केस में आपका कंपनी कैसे किस में चला जाएगा, लिक्विडेशन में। अगर विद इन टाइम तुम्हारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया तो कंपनी तुम्हारा किस में जा सकता है, लिक्विडेशन। अब बेटा इसके साथ साथ इन लोगों ने और 3 ग्राउंड्स ऑफ लिक्विडेशन बोला है, when before expiry of IRP adjudicating
सुनो, वेयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ आईआरपी और विद इन 180 डेज ऑफ द इनिशिएशन ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस द एनसीएलटी डज नॉट रिसीव द रिजोल्यूशन प्लान. इफ वेयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और विद इन 180 डेज, कभी कभी एक्सटेंशन भी मिलता है ना यार, तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे. इफ विद इन टाइम लिमिट, इफ विद इन टाइम लिमिट रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट रिसीव्ड बाई एनसीएलटी. सर आपने एनसीएलटी क्यों बोल दिया, क्योंकि तुम तो पार्ट टू पढ़ रहे हैं और पार्ट टू में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी, तो सीधा एनसीएलटी लिखो. तो वेन विद इन टाइम लिमिट रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट रिसीव्ड बाई होम, रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट रिसीव्ड बाई एनसीएलटी. या तो सीओसी रिजॉल्व्स बिफोर एक्सपायरी दैट कंपनी शैल गो इन टू लिक्विडेशन. एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर कहने से रिवाइवल प्लान बना रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है रिवाइवल प्लान बनाना यूजलेस है. तुम समझ रहे हैं, ये जैसे होता है ना, डॉक्टर कभी कभी बोल देता है कि अब इनका सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, इसको बचाने का ट्राई करिए ना डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर बोलता है नहीं अब आप बस भगवान से प्रार्थना करिए और जो भी इनका वक्त बचा है उसको आप लेके जाइए अपने फैमिली के साथ स्पेंड करवाइए. ऐसा होता है ना यार. अब बेटा ऐसा ही कुछ नौबत आ गया है, 180 डेज एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन सीओसी को लग रहा है रिवाइवल का कोई चांस है नहीं, तो सीओसी लिक्विड एनसीएलटी के पास जाएगा, बोलेगा 180 डेज एक्सपायर तो नहीं हुआ है, लेकिन वी डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग एनी मोर, और इसीलिए इसको क्या करवा दो आप, लिक्विडेट करवा दो. तो विद इन टाइम लिमिट उन लोग क्या कर रहा है, रिजोल्व कर रहा है. किसके लिए रिजोल्व कर रहा है, फॉर लिक्विडेशन. देन रिजोल्यूशन प्लान का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, और बेटा रिजोल्यूशन प्लान का जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, अरे यार क्यों हो जाता है, रिजोल्यूशन प्लान का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको अफेक्ट हुआ है इससे, वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर रहा है, तो एनसीएलटी लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकता है. मतलब क्या हुआ बेटा, समझो, ए तुम लोग के लिए रिवाइवल प्लान बना के दिया, तुम लोग के लिए किसने रिवाइवल प्लान बना के दिया, एनसीएलटी ने. अब तुम्हारे में इतनी मस्ती ना कि तुमने उस रिवाइवल प्लान का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया. मैं बार बार रिवाइवल प्लान बोल रहा हूं, मतलब इट इज व्हाट, रिवाइवल प्लान मींस व्हाट, इट इज अनदर नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. तो अगर तुम्हारी कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान बना के दिया, ये तुम्हारे में इतनी मस्ती है कि तुमने उस प्लान का भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो इन लोग क्या बोलते हैं पता है, अगर रिजोल्यूशन प्लान का बेटा क्या हो गया है, कॉन्ट्रावेंशन. फिर से बोल रहा हूं, अगर रिजोल्यूशन प्लान का क्या हो गया है, कॉन्ट्रावेंशन, उस केस में जिस इसकी वजह से किसी का तो लॉस होगा बेटा, जिसका लॉस होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका लॉस होगा कैसे, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. किस बात का, किस बात का, कि मेरा लॉस हुआ है, तो कहने से इस केस में एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा. किसका, लिक्विडेशन का. एनसीएलटी बोलेगा हम तेरे से बात कर रहे थे रिवाइवल की, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, तूने प्लान का भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, इस इंसान का लॉस हो गया, इसने मेरे को एप्लीकेशन फाइल किया, अब तो तेरी कंपनी का क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेशन. थोड़ा देखो ना इधर, कब कब लिक्विडेशन ऑर्डर होगा, रिजोल्यूशन प्लान Not submitted. Within time limit. Resolution plan is not submitted within time limit. That is 180 days. Or maybe extended time everybody. Second. COC. Resolve. फॉर लिक्विडेशन. सीओसी ने कैसे खुद ही लिक्विडेशन के लिए रिजोल्व कर दिया है. थर्ड, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. रिजोल्यूशन प्लान एंड प्रीजुडिशियली अफेक्टेड पर्सन. And prejudicially affected person, file appeal. उस केस में भी लिक्विडेशन ऑर्डर हो सकता है. तो बेटा ये तीन ग्राउंड पे लिक्विडेशन ऑर्डर हो सकता है. आप सिंपल लैंग्वेज में एक बार लिखना चाहे तो लिख के रख सकते हैं.
आगे बढ़ू मैं, ध्यान दो। इसके बाद प्रायोरिटी ऑफ क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये मैंने मॉड्यूल का चार्ट सेम एज इट इज डाला है यहाँ पे, बट आप इसको इग्नोर करना, मैं एक चार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग वो चार्ट पढ़ना। क्यों इग्नोर करना, जब आप लोग वो चार्ट पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू से मोर ऑन दिस। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम मतलब क्या? ये वाइंडिंग अप प्रायोरिटी पढ़ा था तुमने, सेक्शन 326 एंड सेक्शन 327। तो वॉट एवर प्रायोरिटी ऑफ क्लेम यू हैव स्टडीड इन सेक्शन 326 एंड सेक्शन 327, कहने से दैट प्रायोरिटी ऑफ क्लेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम मतलब किस ऑर्डर में पेमेंट करोगे, ये तो सबसे पहले। इसको वाटरफॉल बोलते हैं पहले तो। क्यों वाटरफॉल बोलते हैं पता है? पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना यार, तो ये भी प्रायोरिटी क्लेम ऊपर से नीचे जाता है, इसलिए वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलने का, छोड़ो। अगला, द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, ये टॉप पे है। मैंने तुमको पहले ही बताया था, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट ये टॉप पे है। मतलब कहने से इसको नंबर वन प्रायोरिटी पे रखा है बेटा। देखो इधर, प्रायोरिटी नंबर वन पे क्या है बेटा? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट एंड उनको प्रोरेटा में मिलेगा। प्रोरेटा मतलब प्रोपोर्शनेट, अगर सफिशियंट अमाउंट है तो पूरा मिल जाएगा, नहीं तो इन लोगों को कहने से प्रोपोर्शनेट मिलेगा। जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट इज 1 लाख, लिक्विडेशन कॉस्ट इज 2 लाख, तो 1:2 के रेशियो में मिलेगा बेटा, प्रोरेटा प्रोपोर्शनेट। सेकेंड नंबर पे क्या आता है प्रायोरिटी में? ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट पे क्या आता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। दो चीज आता है, एक तो वर्कमैन ड्यूज, वर्कमैन ड्यूज किसका? 24 मंथ्स का, और डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। इधर देखो, वर्कमैन ड्यू समझ रहे आप लोग? पहला क्या आ गया बेटा? वर्कमैन ड्यू, इसको समझिए, ऑफ लास्ट 24 मंथ्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, समझ रहे हो बेटा? ये दोनों प्रोरेटा में आएंगे। कैसे आएंगे ये दोनों? प्रोरेटा में आएंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा ये बात को, इसको समझिए थोड़ा, समझ रहे आप लोग? प्रोरेटा प्रोपोर्शनेट मतलब क्या? नहीं से वर्कमैन ड्यूज का जो लास्ट के 24 मंथ्स का है और इनका जो है वैल्यू, एक यानी से उसको तुम एक प्रपोर्शन में देगा, जो भी प्रपोर्शन होगा, 3:2 का, 1:2 का, जो भी होगा, एक लाइन होगा जो बच्चे लोग कंफ्यूज होता है। इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट सच सिक्योरिटेटर हैज रेलिंक्विश्ड सिक्योरिटी, रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप करना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अगेंस्ट मेरा भी चार्ज है, मैं सिक्योर क्रेडिटर हूँ, और मेरा अकेले का चार्ज है। ए मैं जब तक उसके ऊपर अपना चार्ज रेलिंक्विश नहीं करूंगा, कंपनी उसको बेच नहीं सकता है असेट। अगर मैंने अपना चार्ज रेलिंक्विश कर दिया तो कंपनी उसको असेट को बेचेगा, जो पैसा आएगा ना पहले उससे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट को पे करेगा एंड लिक्विडेशन कॉस्ट को। फिर उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो वर्कमैन का जो ड्यू है लास्ट के 24 मंथ्स का एंड मेरा पैसा प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अब तुम बोलेगा सर तो ऐसे केस में वो रेलिंक्विश क्यों करेगा, वो खुद ही बेच देगा ना? ये वो खुद भी बेचेगा ना, फिर भी उसको इसी प्रायोरिटी में पैसा मिलेगा। मतलब वो बोलता है नहीं मैं रेलिंक्विश नहीं करूंगा, मैं खुद बेचूंगा, तो बेच दे, लेकिन तेरे को पैसा देना पड़ेगा अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, लिक्विडेशन का पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर वर्कमैन का पैसा बाकी है तो उसके साथ तेरे को प्रोपोर्शनेटली शेयर करना पड़ेगा। मतलब कहीं से रेलिंक्विश करो या ना करो, इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर प्रायोरिटी ऑफ क्लेम।
तो कहना चाहिए, अगर तुमको लगता है तुम ज्यादा में बेच सकता है तो रेलिंक्विश मत कर, लेकिन तुझे लगता है कि वो ज्यादा में बेचेगा तो रेलिंक्विश कर दे। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग बेच के पेमेंट तेरे को उसी ऑर्डर में मिलेगा जिसमें अदरवाइज मिलने वाला है। तो इस लाइन का आइडियली कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरा, वेजेस ऑफ एनी अनपेड ड्यूज ओ टू एम्प्लॉय अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब क्या? इन अ सिंपल लैंग्वेज, एम्प्लॉय ड्यूज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। तो तुम बोलेगा सर तू ऊपर क्या आया था? बेटा वो वर्कमैन आया था, जो फैक्ट्री में वर्कर होते ना, वेज वर्कर, वो है ये। लेकिन नीचे हमारे जैसे सब लोग एम्प्लॉयज आ गए, अपने जैसे एम्प्लॉयज आ गए नीचे, तो एम्प्लॉय ड्यूज ऑफ लास्ट 12 मंथ। एक कहने से थर्ड प्रायोरिटी पे एवरीबडी, थर्ड प्रायोरिटी पे। ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। नंबर फोर, फाइनेंशियल डेट ओ टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब फाइनेंशियल डेट क्या होता है? जिसने लोन वगैरह दिया गया ना, तो वो फाइनेंशियल डेटर होता है। बेटा ये अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर लिख दूं मैं इसको, वही मतलब है ना यार, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर फोर्थ पे आ गया। फिफ्थ क्या है? देखो अब जो मिल रहा है ना, ई में पेरिपस हुआ है, प्रोपोर्शनेट है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का यूज है, ऑफ लास्ट 2 इयर्स। और डेट ओज टू सिक्योर क्रेडिटर फॉर एनी अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब वो अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को तुम लोग को, पहले तो ये लिख देता हूं फिर इसको डिटेल में समझाता हूं। फिफ्थ कैटेगरी पे क्या रखा है इन्होंने? प्रोपोर्शनेट रखा है किसको? प्रोपोर्शनेट रखा है, प्रोरेटा। प्रोरेटा में बेटा क्या रखा है? नंबर वन, नंबर वन देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ लास्ट 2 इयर्स, गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ लास्ट 2 इयर्स, समझ रहे तुम? दूसरा, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। और सर ऊपर भी तो आपने लिखा अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, इसका एग्जांपल देके समझा रहा हूं तुम लोग को। बोर्ड पे देखो सब लोग, एक बिल्डिंग है, सेल हुआ, सेल होके उस बिल्डिंग से 100 करोड़ मिला, समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो तुम लोग? अब बेटा इस बिल्डिंग से वर्कमैन को भी पैसा मिलेगा और क्रेडिटर को भी पैसा मिलेगा, समझ रहे हो? लेट से वर्कमैन का ड्यूज है 60 करोड़ और क्रेडिटर का ड्यूज है 60 करोड़, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है। बेटा दोनों को तो पूरा नहीं मिल पाएगा, तो इसको भी 50 करोड़ मिलेगा, इसको भी 50 करोड़ मिलेगा। बेटा उसके बाद भी, या इसको 90 करोड़ ले लो ना, इसको 90 करोड़ ले लो, इसको 120 करोड़ ले लो। चलो अब कैसे इनको 2:1 के रेशियो में मिलेगा, तो इसको कितना मिल जाएगा? 60 करोड़। और इसको कितना मिल जाएगा? 30 करोड़। ए इसके बाद भी कितना पैसा पेंडिंग रह गया? 30 करोड़। ए ये उसको कौन से कैटेगरी पे मिलेगा? ये उसको कौन से कैटेगरी पे मिलेगा? ये जो 30 करोड़ मिल रहा है, ये जो 30 करोड़ मिल रहा है इस बिल्डिंग से, ये उसको कौन से कैटेगरी पे मिलेगा? सेकेंड कैटेगरी पे मिलेगा, समझ रहा तुम लोग को? कौन से कैटेगरी पे मिलेगा? सेकेंड कैटेगरी पे। ए ये जो पैसा है ना, ये क्या है? यह है अनसिक्योर्ड पोर्शन, क्योंकि उसका बिल्डिंग तो बिक चुका है ना यार, तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड पोर्शन। और किसका अनसिक्योर्ड पोर्शन है? ये ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। जा रहा है बुद्धि में तुम लोग के? दिस इज अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये उसको कौन से कैटेगरी में मिलेगा? फिफ्थ। अब बेटा एक क्रेडिटर है,
जिसने लोन दिया है लेकिन वो अनसिक्योर्ड है, उसने कोई सिक्योरिटी क्रिएट ही नहीं किया है, इसको तुम अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेगा। और इसको कौन से कैटेगरी पे मिलेगा? फोर। तो कैटेगरी को समझो, ये जो फोर्थ कैटेगरी में नहीं, वो अनसिक्योर्ड ही है, बाय नेचर वो अनसिक्योर्ड है, समझ रहे हो। और ये जो सेकंड कैटेगरी में आया था ना, वो सिक्योर था, लेकिन उसका बिल्डिंग बिकने के बाद भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो उसको रिकवर नहीं हुआ, जैसे ये रिकवर नहीं हुआ। तो बेटा अब वो जो है ना, वो अनसिक्योर्ड बन गया, लेकिन वो अनसिक्योर्ड पोर्शन किसका है? सिक्योर्ड क्रेडिटर का। और ऐसा क्यों किया, उसको फोर्थ फिफ्थ में क्यों रखा, उसका रीजन समझो। ए सिक्योर्ड क्रेडिटर का कुछ पोर्शन सेकेंड में ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन बेचारे अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए उसका पूरा का पूरा अमाउंट फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया। और ये जो अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसको फिफ्थ कैटेगरी में क्यों डाला? क्योंकि उसका सर्टेन पोर्शन इज ऑलरेडी रिसीव्ड इन सेकेंड कैटेगरी, इसलिए ये फोर्थ कैटेगरी। समझ रहा है तुमको? अरे समझा नहीं समझा? ध्यान दो। फिर इसके बाद आता है एनी रिमेनिंग डेट। एनी रिमेनिंग डेट में क्या क्या आ जाएगा? देखो इधर थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने सबसे ऊपर तुमको वर्कमैन ड्यू पढ़ाया बेटा, ए वर्कमैन ड्यू कहने से ये लास्ट 2 इयर्स है ना यार। तो बेटा लास्ट 2 इयर्स का सेकेंड कैटेगरी में जा चुका है, जा रहा दिमाग में? तो 2 इयर्स के पहले वाला जो डेट है, बिफोर 2 इयर्स, एक कहने से ये एनी अदर डेट में जाना चाहिए ना यार। अरे समझ रहा है? सेम वे एम्प्लॉई ड्यूज, कहने से तुमने लास्ट के 1 ईयर का डाल दिया है, आई थिंक इट वॉज इन थर्ड कैटेगरी एवरीबडी, यस थर्ड कैटेगरी में डाल दिया। तो 1 ईयर के पहले वाला जो एम्प्लॉय ड्यूज है, एक कहने से वो चला जाएगा एनी अदर डेट में। सेम वे गवर्नमेंट ड्यूज, कहने से तुमने लास्ट के 2 ईयर्स का फिफ्थ कैटेगरी में डाल दिया है, लेकिन 2 ईयर्स के पहले वाला जो गवर्नमेंट ड्यूज है, वो कहने से एनी अदर डेट में चला जाएगा। सेम वे अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो तुमने फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया, बट अनसिक्योर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर तो कहीं नहीं गया, तो कहने से वो एनी अदर डेट में चला जाएगा। समझ रहा है तुम? मैंने तुमको कुछ एग्जाम्पल दिया एनी अदर डेट का। तो इधर देखो नंबर 6, एनी अदर डेट। एग्जाम्पल, नंबर 1 क्या आएगा बोलो एक बार, नंबर 1 क्या आएगा बोलो एक बार। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको, नहीं स्टार्टिंग से आओ, वर्कमैन ड्यू, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेटिव है। वर्कमैन ड्यू, ऑफ लास्ट ऑफ वर्कमैन ड्यू बिफोर 2 इयर्स, सेकेंड एम्प्लॉई ड्यूज बिफोर 1 ईयर, क्या कर दिया मैंने इधर, एम्प्लॉई ड्यूज बिफोर 1 ईयर, थर्ड अनसिक्योर्ड फिन, और ये नहीं, गवर्नमेंट ड्यूज भी डाल दो ना पहले, गवर्नमेंट ड्यूज बिफोर 2 इयर्स, देन अनसिक्योर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक्सेट्रा, यही सब है ना यार। ये सब सिक्स्थ कैटेगरी में आ गया। उसके बाद हमेशा क्या आता है? प्रेफरेंस आता है सेवेंथ कैटेगरी में, और एट्थ कैटेगरी में क्या आएगा? इक्विटी, कॉपी कर लो इसको,
इतना छोटा क्यों कर दिया मैं, करो अच्छे से कॉपी। नो इसके बाद ये भी कॉपी कर लो, कर लिया, इसके बाद ये भी कॉपी कर लो। तो बेटा ऐसे मैंने तुमको पूरा ऑर्डर पढ़ाया, अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बताओ मेरे को सबसे ऊपर क्या आ रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट। सेकेंड कैटेगरी पे क्या आ रहा है, वर्कमैन ड्यू ऑफ लास्ट 2 ईयर्स एंड सिक्योर क्रेडिटर। थर्ड पे क्या आ रहा है, अनसिक्योर एम्प्लॉय ड्यूज ऑफ लास्ट 1 ईयर। देन फोर्थ पे क्या आ रहा है, अनसिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर। फिफ्थ पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स एंड दूसरा क्या है साथ में प्रोपोर्शनेटली अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर सिक्स्थ पे एनी अदर डेट, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। याद रहेगा सबको, आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए। अब हम लोग जाते हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट पे। ए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मतलब यार इंसॉल्वेंसी अपने आप में ही फास्ट है, हाँ इंसॉल्वेंसी अपने आप में ही फास्ट है ए, लेकिन ये तो फास्ट में भी फास्ट है, सुपर फास्ट है। तुम समझ रहे है, मतलब एक है हेलीकॉप्टर, दूसरा है रॉकेट। तुम समझ रहे है, आईबीसी नॉर्मली हेलीकॉप्टर नहीं, अपना प्लेन, प्लेन है, और ये फास्ट ट्रैक रॉकेट है। मतलब ये आधे टाइम में हो जाना चाहिए, 90 डेज में, और एक्सटेंशन कितना है इसका मैक्सिमम 45 डेज, मतलब 180 डेज का हाफ क्या हो गया 90 डेज, और एक्सटेंशन 90 डेज का हाफ क्या हो गया 45 डेज, इतने टाइम में हो जाना चाहिए। समझ रहे तुम सर, क्या सब लोग इसमें आ सकते हैं? ये तो इसके लिए इन लोग ने क्या बोला, कौन कौन फास्ट ट्रैक इशू के फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी में जा सकता है? देखो ना पागल, पागल नहीं सॉरी, मतलब इन लोग ने क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डेटर विथ असेट्स एंड इनकम बिलो लेवल एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसका असेट और एंड इनकम बिलो लिमिट है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, तुम्हें जान के खुशी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है। अब पहले तो नहीं नोटिफाई किया था, अब नोटिफाई कर दिया है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है बेटा, जिसका असेट इज लेस देन 50 लाख एंड टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, आई मीन पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 2 करोड़, तो कैन आई से असेट एंड इनकम जिसका बिलो लिमिट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है नोटिफाई, कैन आई से वैसे लोग जा सकते हैं बेटा कॉर्पोरेट, इसको नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अ कॉर्पोरेट डेटर विद सच क्लास ऑफ क्रेडिटर एंड सच अमाउंट ऑफ डेट एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो चीज नोटिफाई कर दिया, एक इसमें अनलिस्टेड कंपनी बेटा जिसका टोटल असेट कितना है, अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल असेट इज अप टू 1 करोड़, अप टू कितना मेरे बच्चों 1 करोड़, वो भी जा सकता है। कॉर्पोरेट डेटर विद सच क्लास ऑफ क्रेडिटर एज मे बी नोटिफाई, क्या नहीं थे यहां पे तो सीधा कॉर्पोरेट डेटर का नाम ही नोटिफाई कर देगा बेटा कि ये कॉर्पोरेट डेटर को हम अलाउ कर रहे हैं क्या जाने के लिए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी। और तीसरा बोला है सच अदर कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज मे बी नोटिफाइड, मतलब यहां पे कॉर्पोरेट डेटर का नाम नहीं बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे। यहां पे भी स्पेसिफाई कर दिया है स्टार्टअप कंपनी, जो स्टार्टअप्स रहते हैं ना, पता होगा ना अलग अलग स्टार्टअप्स आ रहा है वो लोग। ये तो सुनो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी का बेटा टाइम क्या हुआ है, 90 डेज प्लस एक्सटेंशन का टाइम क्या दिया है 45 डेज। बात आई समझ में? फिर इसके बाद बोला कौन कौन जा सकता है इसमें, 1 2 3, तीन लोग का नाम दिया है इसमें जो जा सकता है इसमें। बताइए पहला क्या बोला है, असेट एंड इनकम जो भी बोला है नोटिफाई किया ना सीजी, जो सीजी नोटिफाई करेगा उतना, कॉर्पोरेट डेटा जिसका नाम नोटिफाई करेगा वो इसमें हो सकता है, सीधा नाम बता दे किंग फिशर,
ऐसे नाम बता दे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इसमें नाम नहीं बताएगा, क्या नहीं, इसे कैटेगरी बताएगा, जैसे एविएशन इंडस्ट्री बोला तो सिर्फ किंग फिशर नहीं आएगा, किंग फिशर भी आएगा, एयर इंडिया भी आएगा, सब लोग आ जाएंगे, बट टू में तो नाम ही बता देगा, बोल देगा किंग फिशर, तो वहां पे एयर इंडिया वगैरह नहीं आएंगे, तो कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब बेटा सीजी ने किसको किसको नोटिफाई किया, वीडियो रोक के इसको एक बार लिख लेना, किसको किसको नोटिफाई किया, स्मॉल कंपनी को किया, दूसरा स्टार्टअप्स को किया है, अनलिस्टेड कंपनी को किया, तीसरा कंपनी जिसका टोटल एसेट कितना है बेटा, अप टू रुपीज 1 करोड़, अप टू रुपीज कितना है बेटा 1 करोड़, समझ रहे हैं आप लोग, अप टू रुपीज 1 करोड़ है, ये तीन। ध्यान देना, सीजी ने ये नोटिफाई किया, फास्ट ट्रैक आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ प्रोसेस, ध्यान देना। अब बेटा वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, ये मतलब इसको कंपनी, गवर्नमेंट बंद कर रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन खुद से लिक्विडेट होना चाहता है, खुद से लिक्विडेट होना चाहता है। तो बेटा अगर कोई खुद से वॉलेंटरी लिक्विडेट होना चाहता है तो उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पर्सन हु मे इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलेंटरी एंड हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट मे इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन। मतलब क्या, एक कहने से उसका कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बेटा, अगर किसी ने एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट किया है, मतलब कोई लॉ तोड़ दिया है, ये तो ऐसा लोग वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए नहीं जा सकता है। क्यों, हो सकता है वो अपने डिफॉल्ट से जेल में जाने से बचने के लिए वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए जा रहा हो, तो कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए जा रहे तो शैल मीट सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाई IBBI, ये तो कहने से प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया वो क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, तो कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई, आपको कंडीशन क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। कंडीशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, ए अब क्या क्या कंडीशन दिया है, देखो मैंने बोला ना कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो क्या क्या कंडीशन दिया है, पहले उसको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा उस कंपनी के डायरेक्टर्स को, फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब अगर 10 है तो कम से कम 6 डायरेक्टर्स, इफ आउट ऑफ 10 कैसे एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स शैल फाइल, और उन लोग ने क्या बताना चाहिए, उन लोगों ने यह बताना चाहिए कि कंपनी सॉल्वेंट है। डेक्लेरेशन किस बात का देना चाहिए डायरेक्टर्स ने कि कंपनी क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। सर इतने बड़े लाइन में यही दिया है, यस, क्या दिया है पता है, कंपनी का कोई डेट नहीं है, और डेट है तो कंपनी इज इन सिचुएशन टू पे इट डेट इट्स इन फुल, दैट मींस दे आर ट्राइंग टू से कंपनी इज अ सॉल्वेंट कंपनी एवरीबॉडी, तो कंपनी सॉल्वेंट है ये बताना चाहिए। दूसरा, द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, मतलब मैंने अभी बताया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंपनीज को डिलीट कर दिया है, एक क्यों, वो बनाई था फ्रॉड करने के लिए, तो सर अगर फ्रॉड करने के लिए बना है तो अच्छा है ना, बंद हो रहा है तो बेटा बंद होने के पहले डोंट यू थिंक उसको पनिश करना जरूरी है, इसीलिए बोलता है तेरे को तो हम मरने भी नहीं देंगे, क्या नहीं, इसे मरने के पहले तेरे को पनिशमेंट लेना पड़ेगा, जैसे कसाब को पकड़ा था तो पहले 3 साल उसका हिसाब किया और उसके बाद हमने तबीयत से उसको फांसी पर लटकाया, तो क्या नहीं, इट इज नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, डिफ्रॉड होने के लिए नहीं होना चाहिए कंपनी फॉर्म, तो सॉल्वेंट होना चाहिए, डिफ्रॉड होने के लिए नहीं होना चाहिए, इस बात का क्या देना पड़ेगा उसको, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ बेटा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करना पड़ेगा, क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट के 2 ईयर्स का, एंड वैल्यूएशन ऑफ दी असेट बाई रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बेटा तुम तो असेट कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या नहीं थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइल होना चाहिए 2 ईयर्स का, एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट होना चाहिए फाइल किसका, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, ये 2 चीज फाइल होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन होने के 4 वीक के अंदर ए कंपनी के मेंबर को SR पास करना पड़ेगा, किस बात के लिए, टू अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको हम क्या बना रहे हैं बेटा, लिक्विडेटर, लेकिन लिक्विडेटर भी इस एक्ट में वही बन सकता है जो क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं एक बार समझो, पहले सबसे पहले देखो ना, लाइन से आओ,
सबसे पहले अगर तुम वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस फॉलो होने चाहिए? आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी इज अ सॉल्वेंट कंपनी एंड देयर इज नो इट इज नॉट फॉर्म टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। उसके बाद डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट टू ईयर्स एंड क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर कंपनी के शेयरहोल्डर का एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर क्यू पास करना पड़ेगा टू अपॉइंट लिक्विडेटर। और लिक्विडेटर भी कौन रहेगा बेटा? बाय क्वालिफिकेशन कौन रहेगा? बाय क्वालिफिकेशन रहेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दूसरी बात, और रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग रिक्वायर द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलेंटरली। फर्स्ट वाले में एसआर है, दूसरे वाले में ओआर है, जहां पे सिर्फ अ रिजोल्यूशन लिखा मतलब ओआर। एसआर की जगह पे तुमको ओआर पास करना पड़ेगा अगर इट इज टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स्ड बाय द आर्टिकल। मतलब कभी कभी ना तुम्हारी कंपनी बनती है एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे मेरी कंपनी बनी है 5 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स के लिए। अब वो 4 ईयर्स खत्म हो गया बेटा, तो क्या नहीं से कंपनी सिर्फ एक टेन्योर के लिए बनी है जो आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल का टेन्योर खत्म हो गया तो एसआर बहुत बड़ी बात है, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या नहीं से उसको बंद होना ही है बाय लॉ, तो ओआर भी पास कर दोगे तो चलेगा बेटा। थर्ड केस में भी ओआर ही पास करना पड़ेगा अगर तुम्हारी कंपनी किसी इवेंट के लिए बनी और इवेंट अकर हो गया तो। इफ फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी मेट्रो बनाने के लिए बनी थी, इट्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, मेट्रो बनाने के लिए बनी थी, मेट्रो कंप्लीट हो गया, अब कैसे उसको बंद नहीं होना है उस जॉइंट वेंचर को, तो बेटा उस केस में भी एसआर मत पास करो। क्या पास कर दोगे तो चलेगा? ओआर। समझ रहे हो? अब बेटा मैंने बोला तुम्हारी कंपनी सॉल्वेंट कंपनी है, बट सॉल्वेंट कंपनी का मतलब ये नहीं है कि शेयर डेट नहीं होगा। हो सकता है डेट हो ना यार, मैं असेट्स आर मोर देन डेट, बट डेट होना पॉसिबल है। तो अगर डेट है तो कहने से कंपनी के जो ओ करते हैं ना डेट, उसका 2/3 का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन वैल्यू। मतलब कहने से 2/3 इन अप्रूवल ऑफ वैल्यू किसका लगेगा बेटा? क्रेडिटर्स का। समझ रहे हो? तो सॉल्वेंट है तुम्हारी कंपनी लेकिन डेट है अगर, तो कहने से उसका कितने का अप्रूवल लेना पड़ेगा बेटा? 2/3 इन वैल्यू का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये सब नोटिफिकेशन टू रजिस्ट्रार कहने से किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। कितने डेज में? 7 डेज में। फिर बेटा उसके बाद के जो पॉइंट्स है, नॉट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन लोगों ने क्या बोला है लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कब से स्टार्ट होगा वो देखो। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑर्डर अगर तुम होता है पास हो जाता है तो उसको तुमको बाद में फाइल भी करना पड़ेगा उस अथॉरिटी के पास जिस पे तुम रजिस्टर्ड है। जैसे अगर LIC किसी के पास, LIC नहीं होगा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के पास रजिस्टर्ड है तो उसके पास फाइल करो। मतलब यहाँ से तो सिर्फ वो प्रोसीजर्स दिया हुआ है कि डेट कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉपी किसके पास फाइल होगा, जो तुम्हारा मेन क्रक्स है वो पॉइंट नंबर 5 तक खत्म हो जाता है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 तक खत्म हो जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। बेटा वॉलेंटरी लिक्विडेशन कॉर्पोरेट पर्सन का कैसे कर सकते हो आप? तो पहला बात इन लोग ने क्या बोला है, कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलता है, कंपनी ने जो भी IBBI के दिए हुए कंडीशन है वो फॉलो करने चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी सॉल्वेंट होना चाहिए और डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 ईयर्स एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 4 वीक्स में कैसे एसआर पास करना पड़ेगा टू अपॉइंट लिक्विडेटर। कंपनी अगर फिक्स टेन्योर के लिए बनाए या किसी इवेंट के लिए बनाए तो उस केस में सिर्फ ओआर पास करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का कितना वैल्यू लेना पड़ेगा अप्रूवल? 2/3 इन वैल्यू। अब बेटा कुछ चीजें अपनी पेंडिंग थी, आप उधर आ जाओ। अगर आपको याद हो तो इधर देखो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का, अब ये रीड करोगे ना तो तुमको एकदम टाइम पास लगेगा। ए इंप्रूव्ड हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन क्रेडिटर्स एंड द डेटर। क्यों लिखा है बेटा ये? इंप्रूव्ड हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ए क्यों? ए पहले झगड़ा लड़ाई होता था, पैसा नहीं दे रहा है, इससे लड़ो उससे लड़ो, दुनिया भर का झमेला।
अभी प्यार मोहब्बत से हो जाता है, क्योंकि आईबीसी में प्रोसीजर ही ऐसा दिया हुआ है ना कि लॉ के हिसाब से तुम्हारा फटाफट काम खत्म हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया अभी डेटा क्रिएटर में। दूसरा, अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू। बेटा पहले क्या होता था, जितना ज्यादा डिले होता था, जितना ज्यादा टाइम लगता था, उतना कहने से डिटोरिएट होता था असेट्स का वैल्यू, क्रिएटर्स के लिए भी लॉस, डेटर्स के भी लॉस। कितना, क्योंकि जितना डिले होगा उतना लीगल खर्चे वगैरह प्रॉब्लम आएगा। अब वो वैल्यू डिस्ट्राइन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। ड्रॉइंग द लाइन बिटवीन मैलफिशेंस एंड बिजनेस फेलियर। बेटा हमेशा जरूरी नहीं है बिजनेस फेलियर है तो वो मैलफिशेंस ही होगा। मैलफिशेंस मतलब रॉन्गफुल एक्ट। आज जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, ये मैंने चोरी किया उसकी वजह से बिजनेस फेलियर हुआ है, तो मैं जैसे डील करूंगा कॉर्पोरेट डेटर के साथ, और चोरी नहीं किया है, कंपटीशन इतना हाई था कि उसका बिजनेस फेल हुआ है, तो जो मैं कॉर्पोरेट डेटर के साथ डील करूंगा कैसे, वो अलग अलग होगा कैसे। आईबीसी में उस बात का इन लोगों ने मतलब जगह रखा है बेटा, तो अब क्या नहीं, इसे सीधा एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन कब लिया जाएगा बेटा, एक्शन तब लिया जाएगा जब उनको लगेगा कि ये गिल्टी है ऑफ फ्रॉड, नहीं तो रिवाइवल होगा, बट कहने से पनिशमेंट नहीं मिलेगा प्रमोटर्स को। दूसरा, क्लियरली अलोकेटिंग लॉसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न विथ अ साउंड बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क, दीज लॉसेस आर क्लियरली अलोकेटेड टू सम पीपल, लॉस अलोकेशन कुड नॉट कुड टेक प्लेस थ्रू टैक्स, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन, दीज could fall upon foreign creators, small owners, savers, workers, owners. अब कहने से priority fall ही अपन ने ऐसा रखा है कि कहने से एक के ऊपर burden नहीं आएगा company बंद होने का, सब में share हो जाएगा। The following benefits are expected from new law. Asset stripping by promoter is controlled after and before default. मतलब क्या, promoter अब cheating नहीं कर सकता है, asset को कैसे distribute करना है उसका properly IBC में लिखा हुआ है। फिर ये अगर रिवाइवल की बात हो रही है, तो पहले ना कंपनी को बेचने का कोई प्रोसीजर ही नहीं था, आईबीसी में है, अगर तुम चाहे तो गोइंग कंसर्न कंपनी को बेच सकता है अगर खरीदने वाले रेडी है तो, और कहने से वही रिवाइव करके जिसको भी पे करना है कर सकता है बेटा, तो वो ऑप्शन डाल दिया। तो बेटा ये सारे दो तीन पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट है, ऑल पार्टीज नो दैट इफ नो डील इज स्ट्रक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कंपनी विल गो इन लिक्विडेशन। मतलब क्या, पहले जानबूझ के डिले करते थे लोग, ये अब जानबूझ के डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है 180 डेज में अगर कहानी खत्म नहीं हुई तो कंपनी लिक्विडेशन में चला जाएगा, तो कहते नाउ दे विल पर्पसली ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। द इनएबिलिटी ऑफ द प्रमोटर टू स्टील फ्रॉम द कंपनी ओनिंग टू द सुपरविजन ऑफ आईपी ऑल्सो रिड्यूस। ये पहले कंट्रोल कंपनी के हाथ में होता था, फ्रॉड चलता था, अब तो बाहर वाला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, तो डोंट यू थिंक फ्रॉड के चांसेस अब बहुत अवॉइड हो जाएंगे। सर आपने तभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा जब तुम पूरा लॉ पढ़ लेता है उसके बाद ये जो पूरा कहानी है तुम्हारे लिए टाइम पास हो जाता है, इसके लिए नहीं बताया। अब हम लोग पूरे आईबीसी को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें याद हुआ है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुमको मेजोरिटी चीज याद हो गया होगा। लेट सी, शुरू करो। व्हाट इज वो लास्ट का जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है बेटा, वो मैंने अलग से अमेंडमेंट डाला, अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट और पोजीशन वेयर लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स एंड इफ इट इज अनट्रीटेड इट विल लीड टू लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्रप्सी फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स। फिर नीड ऑफ द न्यू लॉ, पहले बहुत सारे मल्टीपल लॉ थे उसको निकाल के आया है। व्हाट इज फाइनेंशियल फेलियर, यू कुड नॉट रीपे व्हाट लोन अमाउंट। व्हाट इज बिजनेस फेलियर, यू कुड नॉट पे बिजनेस एक्सपेंसेस। फिर क्या बोला, मैलफिसेंस एंड मिसमैनेजमेंट। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है बेटा, सबका भला हो, कॉन्फ्लिक्ट रुके, विद इन टाइम खत्म हो जाए, लॉसेस अलोकेट हो जाए, असेट ट्रिपिंग रिड्यूस, ये सब। इस एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट, कितने सेक्शंस हैं, 255, कितना शेड्यूल है, 11 शेड्यूल। पार्ट 1 में क्या बोला है, प्रिलिमिनरी। पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। पार्ट 3 इज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर नॉन कॉर्पोरेट पर्सन। पार्ट 4 इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। पार्ट 5 इज मिसलेनियस। ये एक्ट कब आया, 28 मई 2016। अच्छा, आईबीबीआई बोर्ड कब आया बेटा, 2nd ऑफ अक्टूबर, 1st ऑफ अक्टूबर 2016।
फिर उसके बाद किस कहां कहां पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया, बट पार्ट थ्री इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर, उधर फिर कुल हो गया ना पार्ट थ्री। देन एप्लीकेबिलिटी, किसको किसको एप्लीकेबल है, नंबर वन कंपनी, सॉरी इंडिविजुअल, पर्सनल गारंटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, स्पेशल एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसके कुछ फीचर्स हैं बेटा, फीचर्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट दोनों पर्सन के लिए, फिर नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ, पहले 8 लॉस थे अब उसकी जगह पे ये सिंगल लॉ आ गया, फिर बेटा आईबीबीआई आया उसकी वजह से वन विंडो क्लियरेंस, वन चेन अथॉरिटी, लो टाइम रेजोल्यूशन, फिर प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉई एंड वर्कमैन। इसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव, कंसोलिडेट दी लॉ, क्या बोला मैं, कंसोलिडेट दी लॉ, फिर इसके बाद बोला है आईबीबीआई, उसकी वजह से क्या हो पाया बेटा, टाइम बाउंड क्लोजर, उसकी वजह से क्या हो पाया, तो मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ असेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये दोनों क्रेडिटर्स का बेनिफिट है, फिर डेटर का क्या बेनिफिट है, प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप, देन बैलेंस ऑल स्टेक होल्डर्स। इसके बाद कहने से आईबीसी एक्ट बना, उसके अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है और दूसरा क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है बेटा, आईबीबीआई, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, एनसीएलएटी एंड सुप्रीम कोर्ट, और नॉन कॉर्पोरेट के लिए तो तुमको पता ही ऑलरेडी। फिर इसके बाद आईबीबीआई क्या, तीन लोगों को रेगुलेट करेगा, किसको किसको, आईपी, आईपीए, आईयू। बेटा आईपीए क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अच्छा इसके क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, स्टैंडर्ड्स बनाने का, एग्जीक्यूटरी मॉनिटर करने का, क्वासी जुडिशियल उनके कंप्लेंट्स को हियर करने का जो भी अगेंस्ट मेंबर्स है। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पर्सन हु कैरी आउट ऑल द वर्क्स ऑफ दिस एक्ट एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज अ सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस विच क्रिएट सिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। एडजुडिकेटिंग तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है, एनसीएलटी एनसीएलटी। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट अवे क्या पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी का फ्लो, पूरा फ्लो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें सबसे पहले बोला तीन लोग एप्लीकेशन करेंगे, एफसी, ओसी, सीडी। एफसी क्या क्या देगा, तो कहने से एफसी एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अदर इंफॉर्मेशन। एनसीएलटी 14 डेज में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, दो ग्राउंड पे कर सकता है, पहला या तो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है या तो डिफॉल्ट है आईपी के अगेंस्ट, और वो नाम देगा और उसको कहने से 7 डेज में रेक्टिफाई कर सकता है। एक्सेप्ट किया तो 7 डेज में कम्युनिकेट करेगा एफसी को एंड सीडी को, उसी पहले डिमांड नोटिस देगा कॉर्पोरेटर को, कॉर्पोरेट डेटर कहने से 10 डेज में पेमेंट दे देना चाहिए, पेमेंट दे दिया तो डिस्प्यूट किया तो एप्लीकेशन नहीं कर सकता, पेमेंट भी नहीं दिया डिस्प्यूट भी नहीं किया तो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं, इनवॉइस फाइल करेगा, एफिडेविट, पेमेंट नहीं मिला उसका, डिस्प्यूट है उसका, बैंक अकाउंट पेमेंट नहीं मिला उसका, अदर इन्फॉर्मेशन, और फिर एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता अगर एप्लीकेशन कंप्लीट ही है तो उसके अगेंस्ट डिफॉल्ट है तो, और बेटा अगर एक्स कर रहा है तो 7 डेज में रेक्टिफाई किया जा सकता है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कम्युनिकेट करेगा विद इन 7 डेज। फिर इसके बाद ओसी, ओसी करेगा बैंक इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक अकाउंट, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा तो एसआर पास करना पड़ेगा, सॉरी ओसी नहीं सीडी, तो अब तो एसआर पास करना पड़ेगा इनको, और ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट इन लोग फाइल करेंगे। एनसीएलटी 14 डेज में रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट कर रहा है तो दो ग्राउंड पे, एक तो या तो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है या तो प्रोसीडिंग पेंडिंग है आईपी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कैसे 7 डेज में रेक्टिफाई हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। एक्सेप्ट कर रहा है तो कम्युनिकेट करेगा, किसको कम्युनिकेट करेगा, सीडी को, उसी वाले में ओसी एंड सीडी, सीडी वाले में सिर्फ सीडी को कम्युनिकेट। फिर इसके बाद कौन से केसेस में बेटा एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकता है, अगर कंपनी ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, नहीं हो सकता है, कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ लास्ट के 12 मंथ्स में, नहीं हो सकता है, कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस, नहीं सॉरी कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कंपनी ने वायलेट किया टर्म्स, कंपनी ने एफसी एंड सीडी ने वायलेट किया टर्म्स लास्ट के 12 मंथ्स में, तो भी नहीं हो सकता है, तो कंपनी लिक्विडेशन में है तो भी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकता। उसके बाद मोरेटोरियम डिक्लेयर होगा, कैसे, सॉरी अपॉइंट होगा आईआरपी, क्या नहीं से अगर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है तो 14 डेज में, पेंडिंग है तो तुम आईबीआई को रिफर करेगा, आईबीआई 10 डेज में नेम देगा आईपी का, उसको 14 डेज में अपॉइंट कर सकता है। फिर इसके बाद इन लोग ने क्या बोला बेटा, इसके बाद इन लोग ने बोला है मॉरेटोरियम 180 डेज के लिए रहेगा, काम पीरियड 4 एक्ट्स नहीं होगा उस टाइम पे, डीलिंग सॉरी केसेस अगेंस्ट
कॉर्पोरेट डेटर विल बी ऑन होल्ड, विल बी ऑन होल्ड, नहीं होगा. सेकेंड डीलिंग इन एसेट्स. थर्ड रिकवरी ऑफ असेट बाई ए आर सी. फोर्थ टेकिंग पोजेशन ऑफ द असेट्स फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर बाई ओनर ऑफ दैट असेट. देन टेन्योर ऑफ आई आर पी का क्या है? तो बेटा वो कैसे अपॉइंट होगा तो बता दिया. टेन्योर क्या है? तो अब जब तक नया आरपी नहीं बन जाता तब तक वो कंटिन्यू करेगा, 30 डेज वाला पॉइंट नहीं है. पावर्स क्या है? मी रेस्ट इन पीस, मैनेजमेंट ऑफेंस, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ बीओडी, रिपोर्टिंग मैनेजर ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक अनाउंसमेंट. की रोल्स क्या है बेटा? IC3, इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस, कोलेशन ऑफ क्लेम, कंस्टिट्यूटिंग सीओसी, कंडक्टिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी. इसके बाद आरपी को अपॉइंट करने के लिए कैसे 66% का वोट देना पड़ेगा, फिर वो अपॉइंट हो जाएगा. नहीं अपॉइंट करना है तो फिर से सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा 66% वोट के साथ. आरपी के पावर्स क्या है बेटा? ऑब्टेनिंग वैल्यूएशन ऑफ एंटिटी, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रिपरेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान एंड टेकिंग कंसेंट ऑफ सीओसी. इसके बाद कैसे आईपी, अगर आरपी बनना चाहता तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, इस किसी कंपनी का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए, जो फॉर्म ऑडिटर है सीएस इन प्रैक्टिस या सीडब्ल्यू कॉस्ट ऑडिटर है कंपनी का, और या तो किसी लीगल कंसल्टिंग फॉर्म का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसको 10% ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा है कॉर्पोरेटर से. फिर फीस जो भी मिल रहा है आरपी को कैसे वो टॉप प्रायोरिटी पे जाएगा फर्स्ट पे. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को चेंज करना है तो सेम प्रोसीजर 66%. फिर एनसीएलटी को देगा वो 7 डेज में बताएगा, आईबीबीआई को आईबीबीआई 10 डेज में बताएगा, नेम ऑफ आईपी 14 डेज में अपॉइंट हो जाएंगे लोग. पब्लिक अनाउंसमेंट आईआरपी विद इन 3 डेज देना चाहिए, उसमें क्या देगा? नेम ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अथॉरिटी अंडर विच इट इज रजिस्टर्ड, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी, सॉरी डिटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड फोर्थ बोला है पेनल्टीज अगर क्लेम फॉल्स या मिसलीडिंग है, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम. फिर एक्सपेंसेस जो भी किया है क्या इसे वो एप्लीकेंट से पहले अप्रूवल लेना, एप्लीकेंट करेगा और उसके बाद कैसे अप्रूव हो जाता है तो क्या इसे वो रिम्बर्स रेटिफाई कर देगा सीओसी. फिर सीओसी में कौन कौन रहेगा? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो लोग रहेंगे, लेकिन कंपनी में अगर नॉट इवन सिंगल एफसी है तो 18 लार्जेस्ट ओसी, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, इफ इट इज लेस देन 18 ओसी देन ऑल ओसी विल बी द मेंबर, उससे ज्यादा है तो 18 लार्जेस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. वोटिंग 33% ऑफ शेयर वैल्यू वाला, शेयर वैल्यू नहीं वैल्यू वाला वोट डालेगा, और अगर सॉरी 66% सीओसी का वोट डाल के सब पास होगा. फिर उसके बाद बोला फर्स्ट मीटिंग 7 डेज में होना चाहिए क्रेडिटर्स का. नोटिस किसको किसको दिया जाएगा? मेंबर्स ऑफ सीओसी को दिया जाएगा बेटा. कंपनी में अगर सीओसी के एफसी है तो एफसी को ही दिया जाएगा सिर्फ, सस्पेंडेड बीओडी पार्टनर को 10% ओसी वाला वैल्यू है उसको भी, लेकिन बेटा जो मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बीओडी है 10% ऑफ ओसी, अगर वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, इफ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सीओसी देन इन दैट केस बी एंड सी को भी दिया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है, वोट तो लोग नहीं डालेंगे. कोरम 33% वोटिंग राइट होगा, नहीं प्रेजेंट है तो नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस को चला जाएगा, उस दिन भी नहीं है तो जितने भी रहेंगे वो सब कोरम माने जाएंगे. रिजोल्यूशन प्लान कैसे होगा? तो पहले तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा, अदर इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा जिसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वेरीफाई करेगा, एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट डाला है कि नहीं, ऑपरेशनल रेट का कॉस्ट डाला है कि नहीं, ये सारी चीजें, मटेरियल रेगुलरिटी की नहीं, ये सारी चीजें चेक करेगा, और अपना ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट डाला है कि नहीं, ये सब चीज वेरीफाई करेगा और उसके बाद अप्रूव करेगा बेटा. उसके बाद वो सीओसी के पास जाएगा, 66% वोटिंग से अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो एनसीएलटी के पास जाएगा, अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट कर सकता है वो. अब बेटा इसके बाद अगर ये सब चीज वेरीफाई नहीं किया है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो ये सब चीज के अगेंस्ट भी अपील कर सकता है कोई. फिर कौन से ग्राउंड पे लिक्विडेशन होगा? अगर विद इन टाइम लिमिट तुमने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाया, या तो सीओसी विद इन टाइम रिजॉल्व कर रहा है कि हमको लिक्विडेशन करना है, या तो क्या इसे तुमने टर्म्स का वायलेट किया और जिसको अफेक्ट हो रहा है प्रीजुडिशियली उसने एप्लीकेशन फाइल किया. प्रायोरिटी ऑफ क्लेम कैसे जाएगा? सबसे ऊपर है रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड उसके साथ है लिक्विडेशन. सेकेंड लेवल पे है वर्कमैन, समझ रहे आप लोग? सेकेंड लेवल पे है वर्कमैन ड्यूज ऑफ लास्ट 24 मंथ्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर. और थर्ड पॉइंट पे है वेजेस एम्प्लॉयज का ऑफ लास्ट 12 मंथ्स. फोर्थ पे अनसिक्योर्ड.
फाइनेंशियल क्रेडिटर, फिफ्थ पे है गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ लास्ट टू इयर्स एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्स पे एनी अदर डेट, सेवन पे प्रेफरेंस, एट पे इक्विटी. फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी किसके 90 डेज प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है. बाय द वे एक्सटेंशन के लिए कितने परसेंट सीओसी रिजॉल्व करने चाहिए, 66%. अच्छा अब किस कौन कौन जा सकता है फास्ट ट्रैक में, तो बोला है अ कॉर्पोरेट डेटर विद अ बिलो असेट एंड इनकम लेवल, दूसरा बोला है कॉर्पोरेट डेटर जिसका भी अनलिस्टेड टोटल असेट इज अप टू 1 करोड़, सॉरी कॉर्पोरेट डेटर जिसका असेट इनकम बिलो सीजी स्पेसिफाइड है, या तो वो कॉर्पोरेट डेटर जिसको सीजी ने स्पेसिफाई किया, या तो वो कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर जिसको सीजी ने क्या किया है, स्पेसिफाई किया. बेटा अभी कुछ स्पेसिफाई कर दिया है, अगर तुम्हारा स्मॉल कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है जिसका टोटल असेट इज अप टू 1 करोड़, या तो स्टार्टअप वाला है, तो कहने से वो लोग जा सकते हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी के पास. बेटा लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया था वॉलेंट्री लिक्विडेशन, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कंडीशन बोला है सॉल्वेंट होना चाहिए, डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा 2 ईयर्स का एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट. तो बेटा ये सारी चीजें हम लोग ने जनरल डिस्कशन किया है अभी आईबीसी का. एक बार आप ये पूरा रिकॉर्डिंग अगर एक दो बार सुन लोगे तो आपके दिमाग में ये सब बैठ जाएगा. आई थिंक वी शैल टेक अ ब्रेक, बिकॉज ब्रेक के बाद मैं अब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा सेक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन, तो वो उसके पहले एक बार ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. विल रिज्यूम लेक्चर एट 2:05.